चीज में विश्वास आप बनाए रखना कि आप इस समय राजस्थान की सबसे सुरक्षित जगह बैठे हैं, जहां से देखो सिलेक्शन हम नहीं करवाते हैं, सिलेक्शन करवाती है आपकी मेहनत, आपकी मेहनत। हम एक कोच की तरह काम करते हैं जो केवल ग्राउंड से बाहर खिलाड़ी को तैयार करता है, ग्राउंड के अंदर तो खिलाड़ी को खुद को ही करना पड़ता है। कई बच्चे इसलिए नहीं पढ़ते, देख लेंगे बाद में, देख लेंगे बाद में, किसको देखोगे बाद में, कुछ दिखेगा ही नहीं। परीक्षा में तो वैसे ही कईयों को कुछ नहीं दिखता है, परीक्षा में प्रश्न आता है निम्न में से कौन सा नहीं है, उसको दिखता है, घर आके दिखता है नहीं है, पूछ रहा था मैं करके आ गया, दिखता है क्या, गाय गधे दिखते हैं, गधे गाय दिखते हैं, घर आके पूछता है रे ये क्या था भाई, मैं क्या करके आ गया। क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है, क्योंकि हम इस भय में होते हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। पहली चीज, आज मैं कुछ छोटे छोटे सिंपल्स ग्राउंड रूल है हमारी क्लास के, उनको फॉलो करना पड़ेगा। जीवन में पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि आप किसी भी विषय को पढ़ रहे हैं बिल्कुल शून्य होकर पढ़ना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं, टीचर ने आते ही बेसिक स्टार्ट किया, आप क्या सोचते हो, अरे मुझे तो आता है, अब मुझे आता है इस बैम में जो कुछ नहीं आ रहा था ना, वो भी उसके सिस्टम में सपोर्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके तो वो बार बार अंदर से उखाड़ी मार रहा है ना कि भाई मुझे तो आता है मैं क्यों पढ़ूंगा। दूसरा, क्लास के अंदर कोई चीज समझ में नहीं आए पूछना है, क्योंकि पैसे दिए फ्री में थोड़ी पढ़ेंगे। अब कई लोग इसलिए नहीं पढ़ते कि यार क्लास में मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, क्योंकि यहां आने से पहले कोई जिले के जिला कलेक्टर थे क्या, हाँ, या गांव के अंदर विधायक है, जो पूरी रेपुटेशन ही डाउन हो जाएगी। अभी क्या रेपुटेशन है हमारी, हमारा कोई परिचय है क्या, नहीं। लेकिन जो लोग नौकरी लग जाते हैं उनका शादी ब्याह में हर एक फंक्शन में परिचय होता है। मैं आज खुद से बताऊं, बहुत सी चीजें मैंने सीखी हैं। आप भी किसी के यहां शादी ब्याह में जाते होंगे, नौकरी लगे हुए को अलग ही साइड में कुर्सी देके बिठा देते हैं, और एक आदमी उस शादी ब्याह में पूरा सबसे परिचय करवा रहा है उनका, ये दिल्ली पुलिस में है, ये उसमें है, ये वो है, ये वो है, और अपन बेरोजगार कहीं दिख जाते हैं, अरे जल्दी से पूरी लेके आ, अपनी पहचान क्या हुई, एक पूरी लाने वाला। किसकी वजह से, एक गवर्नमेंट का ठप्पा नहीं होने की वजह से, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि आज वैल्यूएशन है जो किसकी है, गवर्नमेंट जॉब की है। आज जहां भी जाके देखोगे हर जगह भीड़ है, क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है, क्या नहीं होता है ना। एक तो पहली चीज हमें देखनी है कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं क्या। एक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक नदी आती है अमेजन, अमेजन नदी जो जहां से निकलती है उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वहां से हर 8 सेकंड के बाद में एक बूंद गिरता है। क्या 8 सेकंड में एक बूंद गिरे और फिर भी दुनिया की लंबी नदियों में से एक आ जाए, इसका मतलब क्या है, सीक्रेट क्या है इसका, सीक्रेट है निरंतरता। कभी उसने होली दीपावली की छुट्टी नहीं करी कि ले भाई अब तो होली है तो महीने की तो छुट्टी कर ही लेते हैं, नहीं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जिम ज्वाइन किया होगा, रोजाना आधा आधा घंटे आप जाते हैं, महीने में कितने घंटे होते हैं, 15 घंटे होते हैं। आप एक प्लान तो ये करो कि रोजाना आधा आधा घंटे चले जाइए, एक प्लान ये कर रहे हो कि यार 15 घंटे होते हैं, मैं एक काम करता हूं इनको 4 भागों में डिवाइड कर लेता हूं, 4 संडे जिम जाके आ जाता हूं, 4 संडे क्या जिम जाके आ जाता हूं, क्या आपकी सेहत बन पाएगी क्या, नहीं। दूसरा क्या होता है कि जिस समय आप कोचिंग में आते हैं ना उस समय इतना तगड़ा जुनून होता है कि सब कुछ फाड़ दूंगा, पूरे सिलेबस को नाप दूंगा, पहले दिन तो पूरा सिलेबस देख के आ जाता है बंदा। हमारे भारत के व्यक्ति की एक सबसे तगड़ी समस्या है कि किसी भी काम को करता है ना तो पहले दिन तो अपना पूरा ऊर्जा उसी में खपा देता है। जिम जाता है, 3 दिन का डेमो फ्री होता है, पहले ही दिन सब कुछ उठा के आ जाता है, फिर दूसरे दिन उठा के लेके जाना पड़ता है उसको। अरे भाई 3 दिन में तू आराम से प्रत्येक चीज को अलग अलग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा चेक कर लेता, क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं, एक साथ करूंगा, फिर 3 दिन बाद में उसका भी पता नहीं जिम का कहां है, वो भी पता नहीं है। तो ऐसा ही हमारे साथ पढ़ाई में होता है, हमारे अंदर निरंतरता नहीं है। सबसे जरूरी है हमारे अंदर निरंतरता होनी चाहिए। और मेरी क्लास के अंदर एक चीज का विशेष कुछ ग्राउंड रूल्स हैं। एक तो कोई भी क्लास के अंदर उदास नहीं बैठेगा, क्योंकि उदास बैठेगा ना तो आपका पड़ोसी परेशान, ऊपर से मैं परेशान। मैं इसलिए परेशान क्योंकि हो सकता है यार इसके समझ में नहीं आ रहा हो, या फिर इसके कोई घरेलू प्रॉब्लम है, या फिर ये पड़ोसी से दुखी है, या फिर ये मेरे से दुखी है जो कह नहीं रहा है। तो टेंशन तो लेनी ही नहीं है, टेंशन लेनी नहीं है, टेंशन देने की चीज होती है। आप किसी भी अनजान व्यक्ति से नमस्ते कर लो, टेंशन में आ जाएगा। ये तो होती छोटी टेंशन, नमस्ते भाई साहब भाभी जी के क्या हालचाल हैं, बड़ी टेंशन, कई दिन टेंशन में रहेगा कि ये कौन है जिसको मैं नहीं जानता और भाभी जी तक जानकारी है इसकी,
टेंशन में रहेगा तो टेंशन देने की चीज होती है, लेने की नहीं होती। अपन क्या कहते हैं, आज अगर मैं किसी व्यक्ति को क्लास में खड़ा करके पूछू ना, इनके व्यक्तिगत कोई टेंशन नहीं है, इनके बाहरी टेंशन है। पड़ोसी नए कपड़े पहन के निकल जाए, टेंशन कहां गया है, कब आएगा यार ये है। पड़ोसी किसी के साथ चला जाए, ये कौन था या कौन थी जिसके साथ ये गया है, टेंशन ही टेंशन। हमारी टेंशन नहीं है, हमारा कल क्या होगा इसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पड़ोस में क्या चल रहा है उसकी बरोबर टेंशन है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी लोग आपके बारे में सोचते हैं उनको 100-200 रुपया महीना का दे दिया करो, क्योंकि इतने व्यस्त समय में से आपके लिए समय निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके बारे में कोई सोचता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सोचा उसी के बारे में जाता है जो कुछ अच्छा कर रहा होता है। समझ रहे मेरी बात को? अभी तो अपन दुनिया के लिए सोच रहे हैं, लेकिन एक दिन समय ऐसा आएगा जब लोग अपने लिए सोचेंगे और अपन जो है सफलता के मुकाम पर जाएंगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आए आराम से पूछना, क्लास के अंदर ढीले ढाले नहीं बैठने हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसे बैठ जाते हैं, आने दो गुरुजी, आने दो गुरुजी। फिर ये क्या है कि जब भी यहां ठोक लग जाती है ना, तो ये आराम में आ जाता है, और आराम में आने के बाद ये कहां चला जाता है पता ही नहीं चलता है। ये एक सेकंड में तो अमेरिका और एक सेकंड में भारत आ जाता है, और आधे लोगों का दिमाग तो रिश्तेदारी में घूमता रहता है यार, उनके 10 दिन बाद में शादी है, कपड़े तो खरीदे ही नहीं, क्या क्या करेंगे, और इधर चल रहा है भूगोल, इधर चला भूगोल और उधर ली शादी, कॉम्बिनेशन बैठ पाएगा क्या? नहीं। आप, मैं कह रहा हूं कि ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई ये पता नहीं इतने घंटे पढ़ लो, नहीं। आज घर जाके पहला काम तो ये करेंगे कि आप उन सीक्रेट्स को ढूंढेंगे जो आपके अंदर हैं लेकिन अभी पहचान नहीं पा रहे हो। हनुमान जी का नाम सुना होगा आपने, प्रत्येक व्यक्ति जानता है हनुमान जी के अंदर इतनी शक्तियां थी, लेकिन समस्या एक थी उस आदमी में, उसको याद दिलाना पड़ता था। तो आप भी हनुमान जी हैं मेरे लिए, याद दिलानी पड़ेंगी आपकी शक्तियां, बहुत सारी शक्तियां आपके अंदर, लेकिन वो याद दिलानी पड़ेंगी। और यहां बैठा प्रत्येक व्यक्ति इतनी क्षमता रखता है कि वो किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखता है। इस ब्रह्मांड का सबसे जो खतरनाक जीव माना जाता है ना, वो मनुष्य माना जाता है। अपने से ज्यादा बुद्धिमान या ताकतवर कोई जीव इस सृष्टि के अंदर हो तो मुझे बता देना, उसी दिन से मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, मुझे बता देना कोई हो तो। आप जब पूरे ब्रह्मांड को बदलने की ताकत रखते हो तो ये तो छोटी मोटी 3-4 दिन की परीक्षाएं हैं, ये तो ऐसे ही पास हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए क्या है, हमारा कॉन्फिडेंस जीवित रहना चाहिए। दूसरा, आपके समझ में नहीं आ रहा इसलिए आप पूछ लो, इस बात का वेट मत करो कि पड़ोसी कोई पूछेगा तो मैं पूछूंगा, नहीं। पैसे हमने दिए हैं, हमारा अधिकार बनता है। यहां आप पढ़ने के पैसे नहीं दोगे, यहां आप कंसेप्ट क्लियर करने के पैसे दोगे। सही बात है, कोई भाई क्लास में पूछने में शंका कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं बाहर भी मिलता हूं। ठीक है, बाहर मिलने का मतलब है क्लास छोड़ने के बाद 25-30 मिनट 40 मिनट यही ऑफिस में अवेलेबल रहता हूं। वो इसलिए रहता हूं कि आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो उसको देख लिया जाए। आप कोई टॉपिक चल रहा है उसमें कोई समस्या है आप पूछिए, अगला कोई टॉपिक है ऐसा जो आज आपने घर पे पढ़ा और उसका कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया। वैसे तो हर एक टॉपिक पढ़ेंगे यहां पर, लेकिन चिंता है कि नहीं आज ही सॉल्यूशन हो तो फिर मजा आज ही आए, तो आज ही उसको आप बाहर पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी प्रकार से कोई आपकी समस्या नहीं रहनी चाहिए। यहां से जिस दिन आप निकलो इस कैंपस से, तो उस दिन ये ना कहो मार्केट में जाके कि मैं फला व्यक्ति से ज्योग्राफी पढ़ के आया था लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आया, नहीं। आपको ओपन चैलेंज है, जहां से आपको लगता है कि यहां से मैं प्रश्न पूछ सकता हूं वहां से आप पूछिए, मुझे कतई बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे उस समय बुरा लगेगा जब आप पढ़ाने के बाद भी नहीं पढ़ के आओगे। कई बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कुछ समय से जानते हैं, उनको पता है मैं पहले दिन जो पढ़ाता हूं दूसरे दिन प्रेम से पूछता हूं, ठीक है, और मैं जितना बढ़िया पढ़ाता हूं उससे बढ़िया बेइज्जती भी करता हूं। ये मेरा रूल है, क्योंकि मैंने जीवन में आज तक कोई भी काम घटिया किया ही नहीं। मैं तो कोई काम करता नहीं, करूं तो फिर बढ़िया करो, पक्की बात है। तो सब तैयार है पक्का? तो हमारी क्लास का पहला जो ग्राउंड रूल रहेगा वो रहेगा कि हम सीधे बैठेंगे, ठीक है। और जिसको लगता है कि सीधे कैसे बैठा जाता है, वो यहां आके 1 घंटे पढ़ाई, फिर मैं बैठ के बताता हूं आपको 1 घंटे सीधे कैसे बैठा जाता है। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए, सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। आप सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हो पूरी याद हो जाती है, क्यों? पेन कॉपी लेके जाते हो लिखने के लिए, ध्यान एकाग्रचित होता है। और ये नारी शक्ति, इसको तो गाने भी याद हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे दिन आके उनको गुनगुना लेती है, वो पूरे एक पूरे याद हो जाते हैं। तो यहां पर ये देखना है कि हमें रोजाना 5-6 घंटे की मूवियां दिखाई जा रही हैं जो हमारे जीवन को बदलने वाली है, ठीक है।
अब एक बार आप इस प्रोसेस को अपने घर पे भी कर सकते हैं, मैं एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और ये प्रोसेस 2 मिनट की है और ये हमारी क्लास से जस्ट पहले रोजाना दोहराई जाएगी ताकि आप जीवन में इसको बार बार यूटिलाइज करके जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। मजाक में हमें नहीं लेना है कतई भी, ठीक है, क्योंकि पहली बार कोई नई चीज आती है तो मजाक लगता है, ऐसे भी होता है क्या। आप एक बार प्रोसेस को फॉलो तो कीजिए, आपको खुद को लगेगा कि मैं बहुत अच्छी कंडीशन में आ गया हूं। सीधे बैठ जाएंगे, मैं एक प्रोसेस फॉलो करवा रहा हूं, उसको आप फॉलो करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा अपना ये जो लेफ्ट हैंड है इसको एक वर्चुअल कप की तरह बनाइए, इस तरीके से। ये ऐसे टिका हुआ नहीं होना चाहिए, ऐसे एनर्जी दिखनी चाहिए यार, ठीक है। बन गया वर्चुअल कप की तरह। अब उस समय आपकी आंखें बंद रहेंगी जिस समय मैं जो बता रहा हूं करना क्या है। आंखें बंद करके इस हाथ से उन सभी चीजों को इसमें डालना है जो यहां से आने से पहले आपको अपने टारगेट से भ्रमित कर रही थी। मोबाइल है, कोई रिश्तेदार है, पटक दो इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या कोई बाहर की ऐसी चीज है जो आपको बार बार डिस्टर्ब करती है, यहां 2 घंटे ढंग से बैठने में, घर पे पढ़ना चाह रहे हो 2 घंटे लेकिन वो चीज बार बार डिस्टर्ब कर रही है, उसको इसमें डाल दो। एक दिन में डिलीट नहीं होगी लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा उस चीज से ऑटोमेटिक नफरत होने लग जाएगी, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिए और इस कप में वो सब चीजें डालना स्टार्ट कर दीजिए। आंखें बंद कर दो, मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। वो सब चीजें इसमें डालना स्टार्ट कर दीजिए जो आपके जीवन में आपको डिस्ट्रॉयड कर रही हैं, बार बार अपने टारगेट से भ्रमित कर रही हैं। निकाल के डालते जाइए, इसमें डालते जाइए। जब आपको लगता है कि ये कप अब भर रहा है, जब ये कप भर रहा है, कप को तोड़ना नहीं अभी, जब भर रहा है तो इस कप को अब भर गया होगा, अब इस कप को नीचे की तरफ उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए इसको, और इसको पैरों से इरेज कर दीजिए ताकि जीवन में दोबारा ये चीजें नहीं आ सके, ठीक है। अब एक लंबी सांस लेंगे आप लोग, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको रोकिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा खींचिए, ऐसी प्रोसेस 2 बार कीजिए और छोड़ दीजिए। अब पड़ोसी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ चेहरा उसको दिखा दीजिए ताकि उसका भी ध्यान थोड़ा सा कक्षा में आ जाए, ठीक है, चलेगा। इस प्रोसेस को आप जब भी, अभी पहले दिन तो ऐसे लगा कि यार ये हमारा 1 मिनट मास्टर खा गया, ठीक है, पहले दिन ऐसा लगेगा आपको, लेकिन मैं कह रहा हूं आगे आने वाले टाइम में ये चीजें बहुत कामयाब सिद्ध होंगी, ठीक है। अब जीवन में ऐसे पढ़ना है कि जैसे आज पहली ही बार भूगोल पढ़ रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आप अपन जो है भारत और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, राजस्थान का भूगोल आपको विजेंद्र सर पढ़ाएंगे, ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर ही पढ़ाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइंड में ऐसी कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। पहली चीज, आपके कोई डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं, भाई मान लीजिए राजस्थान भूगोल में आपको कोई समस्याएं आ रही हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपने स्तर पर हर समस्या का समाधान करूंगा। पहली चीज, हम पहले पूरा कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे। अब टॉपिक पढ़ने के 3 प्रकार होंगे हमारे, एक इसमें पूरा का पूरा डायग्राम बेस चलेंगे, इसमें कंसेप्ट पूरा देखेंगे, और इसमें इसका तुरंत हम जो है मैपिंग करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, मैपिंग, क्योंकि मैपिंग इसलिए जरूरी है। और मैप आप आज ही घर जाते समय, जिसने मानस बना लिया कोचिंग करना है, वो घर जाते समय 20-30 रुपए के मैप खरीद लेंगे या पूरा पैकेट ही खरीद लेंगे तो फायदा रहेगा। या फिर मैं आपको एक निजी सलाह ये दूंगा कि आप मैप बनाना सीख जाइए, 2-5-10 दिन में ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम बेसिक से पढ़ेंगे पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हुए। वैसे तो मुझे इतना ध्यान है कि आपके ऐसी कोई चीज नहीं आएगी जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो। जैसे ही हमारा टॉपिक होगा तो टॉपिक होते ही मैं आपको हर टॉपिक के तुरंत बाद आपको 50 प्रश्नों का एक टेस्ट दूंगा, टेस्ट मेरी ही निगरानी में होगा। और जो भाई बहन देखो, अब यहां से आपके साथ मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, आप पढ़ने के साथ साथ यहां से मेरे से कैश भी अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि अपनी स्कीम चालू है। हमारे प्रत्येक टेस्ट में, मेरे विषय की बात कर रहा हूं, जो भी विद्यार्थी टॉप करता है मैं एक क्राइटेरिया देता हूं, अगर यहां से इस मार्क्स के अंदर कोई आता है, चाहे वो 10 विद्यार्थी हो, चाहे 20 हो, चाहे 1 हो, कितने भी हो, उनको सबको 200-200 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो उन 200 रुपए को कहीं ठिकाने लगा दे, नहीं, उसने मेहनत करी है, अब वो इन 200 रुपए का कोई ना कोई स्टडी मटेरियल लेके आएगा और अपने जीवन में कल कुछ बेहतर करेगा, कल कुछ बेहतर करेगा। वो केवल आपके मनोबल के लिए, आपके प्रोत्साहन के लिए।
तो देखते हैं कि इस बैच में सबसे ज्यादा कैश घर लास्ट तक कौन जीत के ले जाता है। ठीक है, तो पूरा दम लगा देना है। ठीक है, चलना आ जाइए, करे स्टार्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्ट कर देना चाहिए, मुझे आतंकवादी की तरह देख रहे हो आप लोग। ठीक है, चलना आ जाइए। सबसे पहले हमें देखो, कॉपी को बंद ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम एक सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, भूगोल। आप इस भूगोल शब्द से क्या समझते हैं? देखो, हमने जनरली एक शब्द सुन रखा है कि भूगोल, अगर मैं इसके दो टुकड़े करता हूं, जैसे एक तो भू कर देता हूं, एक गोल कर देता हूं, भू मींस क्या होता है पृथ्वी, और गोल क्या होता है आकृति, तो क्या मैं यहां से पृथ्वी और आकृति कोई एक व्यवस्थित जो है विषय पर पहुंच पाया क्या? नहीं। क्या मैं एक व्यवस्थित परिभाषा बना सकता हूं क्या पृथ्वी और आकृति से? नहीं। मतलब मुझे इतना तो कंफर्म है कि मैं इस हिंदी भाषा के इस शब्द से इस भूगोल की परिभाषा तय नहीं कर सकता। तय नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहां से मैंने इन दोनों शब्दों का विच्छेद करके देख लिया, इससे कोई एक सटीक अर्थ नहीं निकलता है। यानी यहां से तो इसका मतलब क्या होता है, भू मींस क्या होता है पृथ्वी, और गोल यहां पर क्या है भाई आकृति है। तो क्या पृथ्वी आकृति कोई एक व्यवस्थित परिभाषा बनाई जा सकती है क्या? पृथ्वी आकृति कितनी बार बोल लो, कोई चीज यहां से निकलकर नहीं आ सकती। पहली चीज क्लियर है। अब यहां से मैं जाऊंगा इस शब्द की मूल उत्पत्ति कहां से हुई है। अब मैं एक शब्द लिख रहा हूं जो आपके ग्रीक भाषा से रिलेटेड होगा, जिसमें मैंने लिखा एक शब्द, एक तो लिखा जियो और एक लिखा मैंने ग्राफो, या ग्राफिया भी लिख सकता हूं, ध्यान रखना, क्या लिख सकता हूं ग्राफिया भी। यानी मैंने यहां पर दो शब्द लिखे, जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ग्राफो, दो शब्द लिखे। यहां से जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब क्या होता है पृथ्वी, अरे वो जियो नहीं जो धनाधन चल रहा है, नहीं ये वाला जियो, इसका मतलब क्या होता है पृथ्वी। और ग्राफो या ग्राफी का मतलब क्या होता है वर्णन, क्या होता है वर्णन। अब मैं एक सिंपल परिभाषा तय कर सकता हूं कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। क्या ये पहली बात समझ में आ जाएगी क्या? यानी ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। अब यदि मैं इसे अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट करूं ना, तो यहां से कह सकता हूं जियो प्लस ग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, ग्राफी का मतलब क्या होता है वर्णन, या अध्ययन भी कह सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं एक जगह वर्णन करता हूं और एक जगह शब्द लिखता हूं अध्ययन, अध्ययन बोले तो स्टडी। अब यदि मैं ऐसे कह देता हूं कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसे भूगोल कहते हैं, पहली बात सही है क्या? अब मैं दूसरी बात बोल रहा हूं, आप ये मत कहना अब यहां पे भावनाओं बहके कि नहीं सर ये सही है या गलत है, जो भी हो आपको उचित लगे वो आप बता सकते हैं। मैंने दूसरा लिखा कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया गया हो उसे क्या कहेंगे, नहीं समझे? मैंने पहले में कहा, मैंने बहुत सिस्टमेटिक बताया कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। मैंने एक कहा कि ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया गया हो उसे क्या कहते हैं, जियोलॉजी। जियोलॉजी बोले तो अरे भूगर्भ शास्त्र, क्या भूगर्भ शास्त्र। अब ये बात तो हमने पढ़ रखी है, लेकिन ये तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि कईयों के सिस्टम में ये बात सपोर्ट ही नहीं हुई कि सर अध्ययन में वर्णन में फिर फर्क क्या हुआ, अध्ययन में वर्णन में फर्क क्या हुआ। अब इसमें क्या होता है कि वर्णन जो शब्द है ना, इस पे आपने किसको लिया, पृथ्वी को लिया यहां पे, यानी ये हमारा पृथ्वी था, काल्पनिक स्वरूप हमने मान लिया ये पृथ्वी था। इस वर्णन के अंदर आप सबसे पहले इसका जो इंटरनल पार्ट है उसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर इससे पृथ्वी के ऊपरी भाग पर क्या है, यानी बाह्य भाग में क्या क्या फैला है इसका अध्ययन करेंगे, यानी इसकी स्टडी करेंगे। फिर इसके अलावा इसके चारों ओर जो एक आवरण फैला हुआ है ना, आवरण आपको पता है गैसों धूलकणों का एक आवरण होता है जिसे अपन क्या कहते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। उसी वायुमंडल के अंदर दो प्रकार की चीजें हैं, एक स्थल मंडल है और एक जल मंडल है। कौन सा है, जल मंडल। अब इन तीनों का देखो, एक तो इसने कहा कौन सा, स्थल, एक कहा इसने जल, और एक कहा इसने वायु। क्या कहा, वायु। अब इन तीनों का जो संक्रमण क्षेत्र होगा जहां पर जीव की उपस्थिति होगी उसे हम सिंपली कहेंगे जीव मंडल।
या जैव मंडल भी कह सकते हैं क्या? तो यानी इसमें एक तो जैव मंडल का अध्ययन होगा जो बाह्य भागों में आएगा, एक इसमें अध्ययन होगा आंतरिक भाग का। किसका होगा? आंतरिक भाग का। यह मैं अभी वर्णन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वर्णन की। बात क्लियर है? इसके अंदर ही हम यहां पे अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे, यानी हमने एक अलग से विषय और निकाल दिया जिसमें हम अर्थव्यवस्था की भी चर्चा कर रहे हैं। जैसे भूगोल के दो पार्ट आपने पढ़े होंगे, जैसे एक तो आपने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल जिसके अंदर पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, ये भौगोलिक स्ट्रक्चर है। एक आपने पढ़ा होगा मानव भूगोल जिसके अंदर मानव से जुड़ी हुई सभी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं। मानव से जुड़ी गतिविधियां सम्मिलित की जाती हैं, वो किसका पार्ट हो गया? मानव भूगोल का। तो इसमें कंप्लीट स्टडी किया जाता है पृथ्वी का, किसमें? भूगोल में, भूगोल में या पृथ्वी के वर्णन में। अब इसने कहा भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र में यानी पृथ्वी के अध्ययन में हम केवल और केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, और आंतरिक भाग भी ध्यान रखना 18 किलोमीटर की गहराई की चट्टानों का ही अध्ययन किया जाता है। 18 किलोमीटर की गहराई की चट्टानों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये दो बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। आपको पूछा जाए कि पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसमें कंप्लीट पृथ्वी का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। फिर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्र कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, जिसमें केवल और केवल पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, मतलब 18 किलोमीटर की गहराई की चट्टानों का ही अध्ययन किया जाता है, अन्य किसी पहलू का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। तो क्या ये दो छोटे छोटे शब्द समझ में आ जाएंगे क्या? एक तो जियोग्राफी शब्द हो गया और एक जियोलॉजी शब्द हो गया, समझ में आ जाएंगे दोनों के दोनों? एक तो हमने कहा भूगोल है और एक हमने कहा क्या है? भूगर्भ शास्त्र है। भूगोल में कंप्लीट स्टडी किया जाता है और भूगर्भ शास्त्र में केवल आंतरिक संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। बताइए दो बेसिक चीजें सबके समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखना स्टार्ट करें एक बार, क्योंकि हम पढ़ा हुआ तब मानते हैं जब पढ़ाया हुआ हमारी कॉपी में आ जाता है, क्या भाई अब अपना हो गया ये, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना, समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि हमारा कॉपी में लिखा हुआ हमारी परीक्षा में साथ नहीं जाएगा, हमारा समझा हुआ जाएगा। और एक पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने भी कभी, देखो ऐसा नहीं है कि मैं जब पहली बार इस धरती पर अवतरित हुआ था तो भगवान ने ऐसा कोई ज्योग्राफी का सॉफ्टवेयर सपोर्ट किया था कि भाई ये जाएगा और आगे चलकर ज्योग्राफी पढ़ाएगा, नहीं। मैंने मेरी अपनी क्षमताओं के आधार पर इसको क्या किया? विकसित किया है। एक चीज दिमाग में से निकाल देना पूर्ण रूप से, पहले दिन उस चीज की टेंशन मत करना, पूर्ण रूप से इस चीज को निकाल देना कि मैं अंग्रेजी माध्यम का हूं, मैं हिंदी माध्यम का हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से हूं, मेरी स्थिति खराब है, मैं गरीब हूं, कोई भी कैसा भी हो इस क्लास में जो बैठ रहा है उसको सबको समझ में आएगा। क्योंकि एक चीज ध्यान देना, कभी भी जिसका विषय रहा है ना वो नहीं पढ़ता है, वो इसलिए पढ़ता है कि मैं थोड़ा इतना ही पढ़ लूं कि मेरी कॉलेज की परीक्षा पास हो जाए और मैं स्कूली डिग्री प्राप्त करके मार्केट में घूमता रहूं कि देखो मैं बीए हूं, मैं बीएससी हूं। नहीं, जिसके पास डिग्री होती है उसके पास जरूरी नहीं है कि नॉलेज हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसके पास नॉलेज हो उसके पास डिग्री हो, नहीं। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको बिना डिग्री वाला या कोई भी कैसा भी गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी धारण कर सकते हैं। ये एक ऐसा आभूषण है जिसको प्रत्येक व्यक्ति धारण कर सकता है। अब बस बात इस चीज की है कि वो योग्य है कि नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं जानकारी के लिए बता दूं, मैं खुद भी इस भूगोल विषय का विद्यार्थी नहीं हूं, मैं खुद संस्कृत का विद्यार्थी हूं, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में कतई लोड मत लेना कि मैं तो उस सब्जेक्ट का हूं तो मेरे तो समझ में नहीं आएगा। मेरे तो पहली बार में आ गया था, क्योंकि मैंने अपने माइंड में एक चीज को पिन कर लिया था कि पढ़ना तुझे ही पड़ेगा, पढ़ना तुझे ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पढ़ना तो पड़ेगा यहां पर। और एक चीज और बता दूं, आज अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, ये आगे जाके बहुत तगड़ा फायदा आपको देने वाला है, बहुत तगड़ा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। और जिस जिसको भी ये लगता है ना, कल मुझसे मिल लेना एक बार क्लास से पहले, जिसको ये लगता है कि 6 माह में नौकरी नहीं लगी जा सकती, मैं उसको बता दूंगा कैसे लगी जा सकती है, ठीक है। मैंने कहा है कि 3 महीने में टॉपर व्यक्ति भी निकल सकता है, ऐसा मैंने पर्सनली देखा है, ठीक है। मैं अपने 9 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, और उम्र भी कभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं बनती है। जिस समय मैं 12th pass out था 2012 में, उसी समय से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कभी ये चीज भी नहीं देखी कि भाई मैं उम्र में छोटा हूं या ये उम्र में बहुत बड़ा है तो इसी को ज्यादा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, नहीं। यहां पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति समान अवसर प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो संसाधन आपके पास खूब है, इनका ढंग से उपयोग करना है। क्लियर? पक्का?
चलेगा। तो कॉपी में ऊपर ही ऊपर आप हेडिंग लगा दीजिएगा भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और परमानेंट कॉपी आपके पास घर पे होनी चाहिए। आज मैं एक निजी सलाह आपको और देता हूं, कई भाई बहन क्या करते हैं नोटबुक का चयन करते समय भी थोड़ी कंजूसी कर जाते हैं। हमारे भूगोल विषय के लिए जो नोटबुक आपके पास रहे वो बिल्कुल साफ पेज वाली नोटबुक रहे और बाइंडिंग वाली नोटबुक रहे, ताकि उसमें हम कोई और चीज ऐड करना चाहे तो उसमें कर सकते हैं आराम से। और साफ पेज वाली में क्या है, डायग्राम्स जब आप बनाओगे ना तो वो डायग्राम्स के अंदर जो लाइन बीच में चलती है ना कई कई बार घोंचा कर देती है लाइन, समझ रहे मेरी बात को, क्योंकि थोड़ी सी भी विकार कई बार जो है ना बड़ी समस्या का कारण बन जाती है। तो एक साफ पेज का रजिस्टर रखेंगे, यहां पे चीजों को आराम से लिखेंगे, घर जाके एक बार मूल कॉपी में उतार देंगे। कई भाई बहन मैं देखता हूं रफ कॉपी में पढ़ रहे होते हैं, आप एक बार जो है रफ कॉपी में पढ़ो और एक बार साफ पेज की अच्छी हैंडराइटिंग वाली कॉपी में पढ़ो, आनंद आ जाएगा मैं कह रहा हूं, ठीक है? तो पक्का कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो भारत का भूगोल हेडिंग लगा दी, उसमें सबसे पहले लिखो नंबर एक। मैं इसको व्यवस्थित क्रम में एक बार लिखवा देता हूं ताकि वहां से कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले हमने एक शब्द लिखा भूगोल, ठीक है? अब यहां से इसमें लिखना है भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की उत्पत्ति, भूगोल शब्द की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, ठीक है? ये केवल हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं, अभी ध्यान रखना, हो सकता है किसी परीक्षा का हिस्सा नहीं हो लेकिन हमारी नींव के लिए जरूरी है। नींव के लिए क्या है, जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है? चलना। और किसी भी भाई बहन के अगर मेरी क्लास से दुख दर्द बढ़ते हैं तो मुझे बता सकता है, ठीक है? मतलब समझ में नहीं आए तो रहे, समझ रही मेरी बात को? हाँ, चलना। क्योंकि आपके लिए भी मैं नया नहीं हूं, मैं आपको जानता हूं और आप भी मुझे जानते हैं, ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है? चलना, ठीक है? पॉइंट बनाकर लिखो। दूसरा लिखना, दो शब्द कौन कौन से हैं, जियो और प्लस ए ग्राफो, या फिर इसकी जगह ये भी शब्द काम में ले सकते हो, ग्राफिया, ठीक है? एक मिनट, ग्राफिया ये भी शब्द काम में ले सकते हो, ठीक है? जियो का मतलब क्या होता है सर, क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब क्या होता है, वर्णन, ठीक है? अब इसकी एक सिस्टमेटिक परिभाषा हम लोग लिखेंगे साथ के साथ, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। यहां से इधर वालों को दिख रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है ना, पक्का चलेगा? तो पहला पॉइंट बनाकर लिखो, ठीक है? यहां तक पहुंच गए ना सब मेरे साथ साथ, ठीक है? लिखो पहला पॉइंट, लिखना ऐसा विषय, ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए उसे भूगोल कहा जाता है, फिर एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा ताकि वो लाइन आपको उस समय तक याद रहे। लिखना इसके अंतर्गत संपूर्ण पहलुओं का मतलब सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? अब यहां से अध्ययन सबसे विचलित मत होना, ठीक है? चलेगा। फिर लिखना लाइन चेंज करके, लिखना ऐसा विषय जिसमें
ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता हो, पृथ्वी का अध्ययन किया जाता हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। मैं इधर लिख देता हूं, और एक चीज का और ध्यान रखना, जो चीजें मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अभी हमारा क्या चल रहा है, डेमो चल रहा है, हम जाके घर जाके कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन करके दुखी हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन तक इतना दुख बढ़ जाएगा कि फिर अगले दिन का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको कोई भी चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगा, हो सकता है कि जो आप सोर्स आप देख रहे हैं, जो सोर्स मैं देख रहा हूं, उस सोर्स में और आपके सोर्स में, जो मेरा सोर्स है उसमें 10% अंतर आपको देखने को मिल जाए। एग्जामिनर उस 10% को टारगेट नहीं करेगा, 90% को टारगेट करेगा, ध्यान रखना, जो काम का है, जो काम का है, समझ रहे मेरी बात को, पक्का ध्यान रहेगा, चलेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, उसे क्या कहा जाता है? भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है। तो ये दो बातें छोटी छोटी समझ में आ जाएंगी क्या भाई, पृथ्वी का वर्णन तो क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, और पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? भूगर्भ शास्त्र। लिखेगा इसके अंतर्गत, इसी में लिख रहे हो ना, भूगर्भ शास्त्र में लिखना, इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में 18 किलोमीटर की गहराई, की चट्टानों का अध्ययन किया जाता है ठीक है। अगर वो इंटरनल पार्ट की बात करता है इंडिविजुअली, तो हम उस सब्जेक्ट को किसमें शामिल करेंगे? भूगर्भ शास्त्र में। और वो कंप्लीट स्टडी की बात करता है तो उसे किसमें शामिल करेंगे? भूगोल में। किसमें शामिल करेंगे? भूगोल में। अब बात आती है, जैसे देखिएगा, आज हम इस धरा पर अवतरित हुए हैं तो उसके पीछे हमारे किसी न किसी जनक का विशेष सहयोग रहा है, तो हमारे जनक कौन हो जाएंगे? हमारे माता पिता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माता पिता। तो ऐसे ही इस भूगोल को भी अस्तित्व में लाने का किसी ना किसी व्यक्ति ने तो काम किया है, किसी ना किसी व्यक्ति ने तो क्या है, काम किया है। तो अब भूगोल के जो जनक हैं उनको लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब उसमें आपको वैसे तो सैकड़ों जनक मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे काम के हैं उन्हीं जनकों पर हम फोकस करेंगे। बात क्लियर है? यहां पे मैं फिर कह रहा हूं, सिलेबस बहुत विस्तृत है, उस सिलेबस में से जो काम का है वो पढ़ेगा, उसी का रिटर्न पास होगा। जिसने छोड़ना सीख लिया सिलेबस में, आप देखना मैक्सिमम चीजें छोड़ने की है, पढ़ने की नहीं है। हम एक मोटी सी गाइड मार्केट से खरीदी लाते हैं, वो इतनी भारी होती है कि आपको पहली नजर में आकर्षित कर लेती है। बाहर से 3D मैप दिख रहा है उस पे, जो भी है ना, वो आपको आकर्षित करती है कि ये तेरे को ऐसा ही बना देगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, एक प्रॉपर गाइडेंस ही आपको ऐसा ही बना सकता है। सभी पढ़ रहे हैं उस गाइड को, ठीक है? और ध्यान रखना, यहां जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, सफिशियंट है। कोई अगर बुक आपको प्रिपेयर करनी होगी तो मैं अपने स्तर से कर दूंगा, बाकी तो वैसे बुक की जरूरत नहीं है, ये पढ़ लोगे वो ही बहुत है, ठीक है? चलना, आ जाओ वापस धरातल पे, ठीक है? चलना, अब लिखिएगा भूगोल का जनक, किसे कहेंगे सर भूगोल का जनक? अब बहुत सारे कंफ्यूजन पैदा होते हैं, कोई तो कहता है हिकेटियस है, कोई कह रहा है इरेटोस्थनीज है, ऐसे दिमाग में कई कई प्रश्न, सॉरी उत्तर है जो बार बार आ रहे हैं। लेकिन अभी हमने इसलिए नहीं बोला कि कहीं गलत हो गया तो भाई आप बोलना सीखें थोड़ा सा। आप मेरी क्लास में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखो काम के लिए आप बोल सकते हैं, काम के लिए आप मेरे से वाद संवाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कि बोलते ही जेब में AK-47 रखता हूं और ढिचकियां उड़ा दिया, ऐसा नहीं है। मैं भी आपकी तरह एक साधारण आदमी हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई अलग ग्रह से नहीं आया हूं, मैं भी इसी राजस्थान का रहने वाला हूं, ठीक है? चलना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप पूछने में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं करेंगे, बात क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले देखो, आपसे पूछा जाता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है,
भूगोल का जनक। अब कई बार क्या होता है, हम परीक्षा में आपके साथ नहीं जाते, लेकिन हमारे द्वारा जो आपको कुछ क्रियाएं दोहराई गई ना, वो क्रियाएं आपके कर्मों के रूप में आपके साथ जाती हैं। मनुष्य इस धरती पर आता है, कर्म करके चला जाता है, उसके कर्मों का फल उसके साथ चला जाता है। ऐसे ही मैं यहां पर जो आपके साथ मिलकर क्रियाएं करूंगा, उसके अंदर जो कर्म कर रहे हो वो परीक्षा में साथ जाएगा और वही फल देगा। बात क्लियर है क्या? तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है भूगोल का जनक, अब बात आती है किस पे, ऑप्शन पे। किस पे बात आती है? ऑप्शन पे। उसने ऑप्शन अलग अलग दे रखे हैं। जैसे मान लीजिए उसने सबसे पहले भूगोल के जनक का ऑप्शन दिया आपको हिकेटियस। समझ जाओगे शॉर्ट में? वैसे भी आप 30 सेकंड में कितना ज्ञान प्राप्त कर लेते हो रील के माध्यम से, जमाना ही इसका ही चल रहा है। एक दे दिया इरेटोस्तनीज, एक आपको दे दिया हम्बोल्ट, एक आपको दे दिया रेंट जेल। ये सारे नाम मैं आपको भूगोल के जनकों के ही बता रहा हूं, ध्यान रखना। अब आप किस पे जाएंगे? हाँ भाई, ए पे तो कौन कौन जाएगा? अब ऐसे नहीं हो कि चारों पे चले जाऊं, मैं कहीं का ही नहीं रहूं, है ना। बी पे कौन कौन जाएगा? उत्तर देना सबके लिए अनिवार्य है, गोली नहीं मारूंगा। सी पे कौन कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा, मेरा है। डी पे कौन जाएगा? कोई नहीं जा रहा, मतलब ये तो माहौल बन गया। अब देखो, तुक्का लगाने का सबसे आसान तरीका, आपने क्या कहा कि हमारी तरफ से ये दो बिल्कुल गलत हैं। अब आप किसी भी परीक्षा में तुक्का लगाने के लिए वैध हैं, इलिजिबल हैं। आप क्या करते हो, आपको चारों ही ऑप्शन आ रहे होते हैं, आप तुक्का लगाते हो जो आज तक सही नहीं होता है। पहले तुक्का लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि दो ऑप्शन को नेग्लेक्ट करना होगा कि भाई ये दो तो कतई नहीं हो सकते। अब इन दो में से है तो कई बार किस्मत अच्छी काम कर जाती है। कई बच्चे क्या तुक्का लगाने का तरीका कुछ विशेष रखते हैं। एक बार मेरे ही जयपुर के बैच में करौली से कोई विद्यार्थी था, बोल गुरुजी मेरा तुक्का लगाने का तरीका बड़ा विचित्र होता है और लगता भी सही है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं मुझे नहीं आता है ना तो मैं यहां से उखाड़ता हूं, चार उखड़ गए तो डी, तीन उखड़े तो, मैंने कि ये समाप्त हो जाए, बोला ये बच गए ना सर। और जब नई परीक्षा आती है तब तक ये घर की खेती वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं, फिर हमारा दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम जितने भी परीक्षा के अंदर यहां कोचिंग में लोक देवता पढ़ाए जाते हैं, लोक देवी, उनको काम में लेते हैं, वो है ब्रह्मास्त्र। कल भाई जहां मेरा पेन रुक गया ना, बोमिया जी का नाम लेते ही वो ही उत्तर सही है। सर बोमिया जी, बहरू जी, ये नहीं कहते कि आप परीक्षा में तुक्के लगाओ, उनको लिमिटेड याद करो। आप एनी टाइम भगवान को याद रखते हो, अगर आप बार बार भगवान को याद करो, भगवान आपको याद कर लेगा तो फर्ज तो बनता है ना। आप मुझे बार बार याद कर रहे हैं, एक बार तो मेरा फर्ज बनता है ना आपको याद करने का, तो इसलिए लिमिटेड याद रखो, ठीक है। चलना वापस आ जाओ। अब आप इन दो में से एक पे लगाओगे तो आपका तुक्का सही जाएगा। अब यहां से अगर ये कहता ना भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हम जनरली क्या लगाएंगे, हिकेटियस। क्या लगाएंगे? हिकेटियस। अगर इसी प्रश्न की एक लैंग्वेज बदल जाती है, यहां पे एक शब्द लग जाता है कि व्यवस्थित भूगोल का, यानी सिस्टमेटिक ज्योग्राफी का जो जनक माना जाएगा वो किसको माना जाएगा, अब हमारा आंसर क्या होगा, इरेटोस्तनीज। क्योंकि व्यवस्थित भूगोल का जो अध्ययन किया था ना, वो किसने किया था, इरेटोस्तनीज ने किया था। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए कि यहां पर व्यवस्थित शब्द नहीं है और भूगोल का जनक है, और हिकेटियस यहां विकल्प में नहीं है, इसकी जगह एक नया ही शब्द दे दिया, पेलीडोनियस या पोलीडोनियस, आप किस पे लगाओगे? अब हमारा मजबूरी का आंसर क्या होगा, इरेटोस्तनीज होगा। क्या होगा? इरेटोस्तनीज, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। फिर हम क्या करते हैं, मैंने तो यहां पर आपको पढ़ा दिया, आप क्या सोचोगे उत्तर गलत है इसलिए डिलीट होगा। कोई दिक्कत नहीं, मान लो 1% डिलीट भी हो जाए और सबका होगा डिलीट होगा, तो आपका अकेले का तो नहीं होगा, कहले भाई इसने किया तो इसका डिलीट करो, नहीं सबका होगा, डिलीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मान लो 1% उत्तर बचा रह गया और वहां पे इरेटोस्तनीज मान लिया, तो कहां जाओगे? एक एक प्रश्न आपको हजारों विद्यार्थियों से ऊपर नीचे ला सकता है, ध्यान रखना। एक एक प्रश्न का महत्व है, तो किसी भी चीज को कमजोर नहीं समझना है। बात क्लियर है? तो हमारी ये दो चीजें क्लियर हो गई कि भूगोल का जनक जो है वो कौन है, वो है आपके हिकेटियस, और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन है, इरेटोस्तनीज। तो ये दो पॉइंट क्लियर करके लिखिएगा, नंबर एक लिखना, नंबर एक लिखिएगा, भूगोल का जनक, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है, भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है,
और कोई शब्द सॉफ्टवेयर में सपोर्ट ना हो तो मुझे बोल देना, मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, क्योंकि मुझे पता तो रहता है वैसे किस किस को क्या क्या शब्द लिखने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हमारी वर्णमाला बहुत स्ट्रांग है और हिंदी तो पढ़नी पड़ेगी भाई। ठीक है, चलना आ जाओ। सेकंड लिखना, व्यवस्थित भूगोल का जनक, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहेंगे? सर पक्की बात है तो लिख दो इरेटोस्तनीज। ये दो चीजें छोटी छोटी क्लियर हो गई क्या? चाहे दो घंटे क्लास में पांच ही चीज सीख के जाओ, लेकिन ढंग से सीख के जाना। ठीक है, यहां पर हम मनरेगा में नहीं आए हुए हैं कि आठ घंटे काम करना है तो करना ही है, क्योंकि किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। तो कभी भी इसको ये नहीं करना है कि मैं दैनिक मजदूरी के हिसाब से आया हूं, इतना काम होते ही आउट, नहीं, अपने आपको यही रखना है क्लास में। ठीक है, चलना। तो यहां से अगर ये दो जनक पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, पक्का चलेगा। फिर लिखो भूगोल की मुख्य शाखाएं दो हैं, यानी इसकी दो शाखाएं हैं, तो लिखना भूगोल की मुख्य रूप से। और कोई भाई बहन अगर इसको अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे ना, नो डाउट, कोई इश्यू नहीं है, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि यहां से मैं आपको सामान दूंगा, अब बना के आपको ही लाना है, कैसा बना रहे हो। ठीक है, चलना। लिखो भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, या इसकी दो अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, नंबर एक लिखो, लिखना भौतिक भूगोल, यानी इसकी कितनी शाखाएं हैं प्यारे बच्चे? दो। किसकी शाखा है भाई? अरे भूगोल की, मेरी नहीं, भूगोल की शाखाएं हैं दो। कितनी? दो। पहली भौतिक भूगोल, और दूसरा कौन सा है? मानव भूगोल। अभी मैंने बताया था भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? पर्वत, पठार, मैदान, नदी, यानी जितने भी आपको ये स्थलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, मेनली इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में किया जाता है। किसमें किया जाता है? भौतिक भूगोल में। और इसके अलावा जैसे जनसंख्या है, मानव से जुड़े हुए जितने भी क्रियाकलाप है, इनका सबका अध्ययन कहां पर होता है? मानव भूगोल में होता है। किसमें होता है? मानव भूगोल में। बात क्लियर है? क्योंकि पर्वत मानव ने थोड़ी बनाया, किसने बनाया है? अरे प्रकृति ने बनाया है। यानी प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं मोस्टली वो किसमें शामिल होंगी? भौतिक भूगोल में शामिल होंगी। ये बेसिक है हमारा। ठीक है, चलना। सेकंड पार्ट कौन सा इसका? वह हो जाएगा मानव भूगोल। मानव भूगोल। तो ये दो चीजें आप लिख दीजिएगा। अब एग्जामिनर यहां से भी तो इनके अलग अलग जनक पूछ सकता है, पूछे तो फिर हमारे मुंह से ना थोड़ी निकलेगा, हाँ ही निकलेगा। ठीक है, चलना। तो पॉइंट बनाकर अलग से लिखना, लिखना भौतिक भूगोल का जनक पेलीडोनियस या करके लिखना इसी में, या पोलीडोनियस, या पोलीडोनियस को माना जाता है। भाई मान लो कई बार क्या होता है, वहां पेलीडोनियस दिखता है आपको, मैंने पोलीडोनियस लिखवा है, आपके सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं होगा, ऐसे कई बार मिलता जुलता नाम दे देता है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर गागरूण बांध है, कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। एक दो बार आया उसका नाम, एक जैसे थोड़ा सा अविकृत रूप वहां पर आया, गागरीन उसने दे दिया। तो अब वहां पे आप जिद करके थोड़ी बैठोगे कि मास्टर ने तो गागरून पढ़ाया था, ये गागरीन आ गया, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं करके चलूंगा, कि ईगो हर्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में शांति से धैर्य के साथ कर लेना, समझ रही बात को? चलना, लिखो पॉइंट बनाकर। लिखना मानव भूगोल, मानव भूगोल, लिखना मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का जनक रेंट जेल को माना जाता है। रेंट जेल को माना जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है।
फिर हमें दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। जैसे एक हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, तो यहां से लिख लीजिएगा, उसमें शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखिएगा आधुनिक भूगोल का जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हम्बोल्ट को, बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या, पक्की बात है, चलना। फिर एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, लिखना भारत भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इसमें भी लिख लीजिएगा, लिखना जेम्स रेनेल को माना जाता है, अब इनको जो याद करने का तरीका है वो कैसा है, एक बार इनको स्कैन करेंगे। अब कईयों का स्कैनर तो इतना खराब हो गया है कि उसमें कुछ स्कैन ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने आपको पहली प्रोसेस जो बताई थी ना, एमपीटी माइक कप रहेगा उस प्रोसेस का नाम, वो प्रोसेस उस जंग लगी हुई जितनी भी मशीन है ना उसको सबको ठीक कर देगा। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये वाला 5% इंपोर्टेंट है, ये काम का है, इस पे किसी भी प्रकार का लोड नहीं आना चाहिए। अगर इसका एक फ्यूज भी जल गया ना, मार्केट में मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर चाहे आप जयपुर जाके किसी मनोचिकित्सक को भी दिखा लोगे ना तो भी कहेगा भाई मेरे पास की बात नहीं है, ठीक है, चलना। तो इसलिए इसको बिल्कुल कूल रखना है और इसमें हो सके जितना 6-7 महीने के लिए इसका विशेष ध्यान रखना है। ये वाला भाग चला जाए कोई दिक्कत नहीं, नौकरी लगने के बाद वापस आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। और मैं फिर कह रहा हूं कल से आप तैयारी में लग जाओ, आपको बाहर की चीजें परेशान करना चालू कर देंगी, ऐसा मेरे साथ होता है। हमारे एक भी दोस्त, हम जब फ्री होते हैं फोन नहीं करते, लेकिन परीक्षा वाले दिन दबा के फोन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना, ये फैक्ट है। आप प्रकृति में कुछ अच्छा करने जा रहे हो, आपको नेगेटिव चीजें डिस्टर्ब करेंगी, सीधी सी बात है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार जो है ना अपनी कॉपी को आराम दे दो, हमने क्या क्या पढ़ाया अभी तक उसका एक बार वापस से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। स्कैन कर लो एक बार इनको, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले हमने एक शब्द लिया था, क्या, भूगोल। क्या लिया था? भूगोल। भूगोल शब्द को हमने दो पार्टों में, भू और गोल, भू मीन्स पृथ्वी और गोल मीन्स आकृति, हम किसी भी एक अच्छी परिभाषा की ओर जा ही नहीं पाए अगर हिंदी शब्द को हमने लिया। तो हमने क्या किया, इसके मूल जो शब्द था उसकी ओर ध्यान दिया। मूल शब्द था आपके जियो प्लस ग्राफो, जियो प्लस ए ग्राफो। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफो का मतलब क्या होता है, वर्णन। सिंपल हमने एक परिभाषा तय कर दी कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति जो है दो शब्दों से हुई है, जो अभी आपने देखा। और ऐसा विषय जिसके अंदर, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाए उसमें किसको शामिल करेंगे, भूगोल को। और इसमें कंप्लीट अध्ययन किया जाता है, सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, चाहे पृथ्वी का आंतरिक भाग हो, चाहे बाह्य भाग हो, चाहे इसके चारों ओर का भाग हो, सभी का अध्ययन किया जाता है किसमें, भूगोल में। फिर एक शब्द आता है पृथ्वी का अध्ययन, अध्ययन क्या कहलाता है, भूगर्भ शास्त्र कहलाता है। अब अध्ययन वर्णन से अलग कैसे किया आपने, कि अध्ययन में हमने देखा कि केवल इंटरनल पार्ट का यानी आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, और विशेषकर 18 किलोमीटर की गहराई की चट्टानों का ही अध्ययन होता है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। फिर देखो हमने आगे भूगोल के जनकों को देखा, सबसे पहले भूगोल का जनक किसे कहा आपने, हिकेटियस को। किसको कहा, हिकेटियस को। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर यहीं पर शब्द दे देता व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो व्यवस्थित सिस्टमेटिक जो अध्ययन किया था वो किसने किया था, एरेटोस्तनीज ने। तो अब ये दोनों अलग अलग क्लियर हो जाएंगे। अगर विकल्प में एक ही है तो किसी भी एक के साथ जा सकते हो, आपको कोई मना नहीं करेगा, अगर प्रश्न डिलीट हो जाएगा तो सबका हो जाएगा, नहीं तो बचा रहेगा तो हमारा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस बात की चिंता ही नहीं। फिर हमने देखा भूगोल की कितनी शाखाएं हैं, दो, एक भौतिक भूगोल जिसमें प्रकृति प्रदत्त चीजों को हम देख रहे हैं,
यानी प्रकृति के द्वारा जो निर्मित चीजें हैं उनको देख रहे हैं। वैसे तो मानव भी प्रकृति का ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन मानव जिस चीज को बना सकता है वो चीज प्रकृति की पर्वत मानव नहीं बना सकता, वो तो प्रकृति ही बनाएगी। तो उसमें हमने पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ी, नदी इत्यादि को क्या किया, सम्मिलित किया। अभी एक एक दो दो खोल खोल के पढ़ने वाले हैं। एक हमने देखा मानव भूगोल, मानव से जुड़े सभी जो पहलू हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब हमने देखा कि जो भौतिक भूगोल था उसका जनक किसे कहा था, पेलिडोनियस को या पोलिडोनियस को। फिर हमने देखा कि मानव भूगोल का जनक कौन था, रेंटजेल था। कौन था, रेंटजेल। फिर हमने देखा कि एक आया आधुनिक भूगोल, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा, हम्बोल्ट को कहा। किसको कहा, हम्बोल्ट को। फिर हमने भारत भूगोल का जनक किसे कहा, जेम्स रेनेल को। यहां तक की बात सबके सिस्टम में बैठ गई क्या, और ऐसे मान के चलना है। देखो अब कईयों के दिमाग में फिर गलत विचार आते हैं, वो सारे कंसेप्ट मैं दो तीन दिन में क्लियर करूंगा। कि कईयों के दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि यार ये कोचिंग वाले होते हैं ना, ये एक दो दिन में तो क्या पूरी फाड़ू एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं और फिर तीन चार दिन बाद में घास काटना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, इस बैच में ऐसे भी कोई एक दो विद्यार्थी बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी क्लासेस को बीच में से ज्वाइन किया था, बीच में से ज्वाइन किया था। मेरी क्लास चाहे एक घंटे की रही, आधा घंटे की रही, आपको फुल एनर्जेटिक क्लास मिलेगी, ठीक है। और कोई भी, मैं इतना अगले को गारंटी देता हूं क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है, मैं इतनी गारंटी देता हूं कोचिंग वाले को, किसी को भी। यहां की बात नहीं कर रहा कि बैच में अगर कोई एक सिंगल विद्यार्थी ऐसा खड़ा हो जाए जिसके समझ में नहीं आए, मैं एक पैसा नहीं लूंगा। वो किस आधार पर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो बेस्ट है। अब वो बेस्ट तब और बेस्ट हो पाएगा जब आप उसमें से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, ठीक है, चलना, क्लियर है बात। या तो आप मेरे साथ कोई जर्नी स्टार्ट मत करना, और स्टार्ट करो तो लास्ट तक वही एनर्जी होनी चाहिए। मैंने अमेज़न का उदाहरण इसलिए दिया था आपको क्योंकि हमारे अंदर निरंतरता नहीं है, ठीक है, चलना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना, चलना। अब आ जाओ वापस धरातल पे, कॉपी बंद कर दो और सीधे बैठ दो, ठोक हटा दो। इधर देखो, अब मैं ऐसा क्या करूं कि भाई पूरी पृथ्वी को एक साथ देखूं, क्या मेरी नजर इतनी दूर तक जा सकती है, क्या नहीं जा सकती। ऐसा बहुत से लोगों को लगा कि यार अब क्या किया जाए, क्या किया जाए, रिसर्च चलते गए चलते गए। अब सबसे पहले जो ये यूनानी विद्वान थे या जो ईरानी विद्वान थे, इन्होंने दुनिया का भ्रमण करना चालू किया, दुनिया का भ्रमण करना चालू किया। ऐसा नहीं था कि इनकी जेब में भाड़ा ज्यादा था, ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भ्रमण करना स्टार्ट किया, भ्रमण करना स्टार्ट किया। अब इनके साथ एक समस्या आने लग गई कि न तो दिन का पता चल रहा है, न रात का पता चल रहा है, कहां किस समय दिन हो और कहां किस समय रात हो, क्योंकि ऐसी कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं। न दूरी का पता चलता था, कितना तो चल लिए, कितना और चलना है, कहां जाना है, किधर जाना है। ये तो वैसे चल रहे थे, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक बार एक साधु था, तो साधु था, बाल बढ़ा रखे थे, तो वो रेगिस्तान में चल रहा था। अब हवा इधर से आ रही थी, साधु चल रहा इधर, घंटे भर चला, इतनी देर में हवा पीछे से आने लग गई, वो बाल साधु के मुंह में आने लगे। साधु ने देखा दिशा ठीक नहीं है, मुंह में बाल आ रहे हैं, अब इधर चलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में हवा उधर से आई, फिर बाल मुंह में आ गए, फिर वापस घूम गया। आज हमारी स्थिति भी उस साधु की तरह ही है, मार्केट में जिस तरफ हवा होती है उस तरफ ही भग लेते हैं, वैकेंसी जिसकी आती है उसके पीछे भग लेते हैं, एक टारगेट नहीं है। तो उस साधु की तरह नहीं भगना है, नहीं टारगेट पे पहुंच ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबकी स्थिति ऐसी ही थी। अब सबने मिलकर क्या किया कि एक काम करते हैं, अपन एक पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप मान लेते हैं किसी भी चीज को। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास ये एक पानी की बोतल है, ठीक है। अब मैं इसे कोई एक जल का काल्पनिक स्वरूप मान लेता हूं। अब इस बोतल के अंदर इतना तो पानी नहीं है कि इसमें अरब सागर समा जाए, लेकिन अरब सागर का थोड़ा सा जल इसमें समाया जा सकता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या। अब उन्होंने क्या किया कि एक पृथ्वी का ऐसा काल्पनिक स्वरूप मान लिया जिसको देखकर ऐसा लग जाए कि यही पृथ्वी है, यही क्या है, पृथ्वी है, लेकिन हो सकता है वो वास्तविक पृथ्वी नहीं हो। जैसे मान लीजिए ये है। अब इसकी एक महिला मित्र थी जिसका नाम था सुशीला, ये सुशीला को अच्छी तरीके से जानती थी। इसने क्या किया, एक दिन बस स्टॉप पे उतरी और उतरते ही सुशीला जैसी कोई दूसरी लड़की दिखी। इसने दूर से ही देखते सुशीला ही है शायद, ये जोर से भगी भगी गई, लेकिन देखा सुशीला नहीं थी, वो तो सुनीता थी जो किसी और की मित्र थी। लेकिन दूर से देखने पर इसको ऐसा ही लगा कि ये क्या है,
सुशीला है, लेकिन एक्चुअल में क्या सुनीता है, सॉरी सुशीला थी क्या, कौन थी, सुनीता थी, कौन थी, सुनीता। अब अपन जो आज आपके सामने ग्लोब है ना, ये वास्तविक पृथ्वी नहीं है, ये काल्पनिक है, ये क्या है, काल्पनिक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप क्या है भाई, ग्लोब। अरे ग्लोब, कोई तो देखकर आप बता सकते हो ना कि पृथ्वी गोल है, या कोई देखने गया था क्या, कोई देखने गया हो तो मुझे बता दो, मैं भी उससे बात कर लूं, भाई कहां देख के आया था, मैं भी दूसरे दिन चला जाऊंगा देखने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप क्या है, ग्लोब है। अब एग्जामिनर यहां से पहली चीज ये पूछता है कि ग्लोब जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले बताया किसने था। अब एक उस साइड के विद्वानों में एक व्यक्ति का नाम आता है, उसका खास परिचय नहीं मिलता, उसका नाम आता है बहम। क्या नाम आता है, बहम। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप क्या है, ग्लोब, और ग्लोब जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, बहम नामक विद्वान ने सबसे पहले बताया था। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे इसके ऊपर आगे चलकर अध्ययन होता है और यहां से चीजें ऐसी आ जाती हैं कि इस पर कुछ विद्वानों ने अपने विवेक के आधार पर, आज भी काल्पनिक है ये, ऑथेंटिक नहीं कि चीज है, केवल काल्पनिक है, केवल क्या है, काल्पनिक है। इन्होंने क्या किया कि इस ग्लोब के ऊपर या इस गोल आकृति के ऊपर दो प्रकार से रेखाएं खींचना स्टार्ट कर दिया। एक तो इन्होंने क्षैतिज रेखाएं खींची और एक इन्होंने रेखाएं खींची ऊर्ध्वाधर। मैं भी आपको अलग अलग बताऊंगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कैसे कैसे खींची। इन्होंने क्या किया कि यहां से एक गोल आकृति ली इस प्रकार से, काल्पनिक है, आप भी अपनी कॉपी बना सकते हैं, काल्पनिक है। इन्होंने क्या किया कि इस पर कुछ इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींचना स्टार्ट कर दिया इस प्रकार से, और इन सभी क्षैतिज रेखाओं को इन्होंने कहा, बोला ये क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश है। सिंपली कह दिया, डायरेक्ट, कोई परिभाषा तय नहीं की, डायरेक्ट कह दिया कि भाई ग्लोब के ऊपर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, और ऐसे नहीं समझ में आए तो राजस्थानी भाषा में का जितनी भी आडी रेखाएं हैं सभी की सभी क्या है, अक्षांश है। अ फॉर आडी, अ फॉर अक्षांश। आता है क्या समझ में, आएगा आराम से, सीधे सीधे आएगा, नहीं आएगा तो मेरे पास तरीके हैं। यानी इनको आपने क्या कहा, अक्षांश। पहली बात क्लियर है क्या, थोड़े सीधे भी बैठो, रूल अभी पहली क्लास में टूट रहे हैं, कभी क्या आदत में नहीं है, आदत में आ जाएगा ना, आप मगर आप डीले डेले बैठोगे ही नहीं, आपको लगेगा यार आप तो बैठना चाहिए, ठीक है चलना। अब यहां पे आपने क्षैतिज रेखाओं को क्या कहा, अक्षांश कहा। क्या कहा, अक्षांश। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया कि एक सेम ऐसी आकृति ले ली और इस बार इसके ऊपर इस तरीके से खड़ी लाइन है, और खड़ी लाइन एक खींच के फिर उसके ऊर्ध्वाधर भाग पर, अर्धवृत्त भाग पर इस तरीके से लाइन आपने खींचना चालू कर दिया, और इन सभी लाइनों को आपने क्या कहा, देशांतर कहा। क्या कहा, देशांतर। तो बताइए दो चीजें समझ में आ जाएंगी क्या, पक्की बात है ना। यानी इस ग्लोब के ऊपर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं खींची गई है, मतलब आड़ी रेखाएं खींची गई है, उनको सबको क्या कहा, अक्षांश। और आपने यहां पर जो ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी रेखाएं खींची उनको क्या कहा, देशांतर। अब मुझे बताइए क्या ग्लोब पर कभी जीवन में ऐसा हुआ हो कि इन दो प्रकार की रेखाओं से अलावा कोई तीसरे प्रकार की रेखा आई हो। अगर वो रेखा आ रही है तो वो रेखा आपका ध्यान भंग करने के लिए आ रही है, समझे क्या। मैं यहां किसी महिला की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे क्या है विचार, अभी तक तो मेरी क्लास में और अपनी क्लास ओपन विचारों पे चलेगी, अभी विचार कहीं कहीं जाएंगे कईयों के, ठीक है। तो इसलिए विचारों पर भी कंट्रोल रहना चाहिए, बात क्लियर है क्या, पक्की बात है ना। अब यहां से आपने अक्षांश रेखाएं तो किने कहा, क्षैतिज को, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहा, देशांतर। बताइए छोटी छोटी दो परिभाषाएं समझ में आ जाएंगी क्या, नहीं। अब देखो टेक्नोलॉजी है, बदलेगी। एक टाइम जब आप 12th पास आउट कर गए थे, घर वालों ने कीपैड मोबाइल दिलाया, आप कितने राजी हुए, उसमें एक सांप वाला गेम चलता था। मेरे को जब पहली बार दिलाया ना, तो मैंने तो 20 दिन कंटिन्यू सांप ही सांप का गेम खेला, 20 दिन कंटिन्यू। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर उसी दिन मैंने एक चीज और पिन कर ली, और दूसरा मैंने वो चीजें वास्तव में आगे चल के प्रैक्टिकली महसूस भी की। आज आप घर जाके इंटरनेट गूगल करना ओशो के बारे में, ओशो ये कहता है कि अगर किसी भी आदत को छोड़ना है ना, चाहे कोई अच्छी आदत हो चाहे बुरी आदत हो, लगता है छोड़ना है ना, तो उस काम को उस हद तक कीजिए जहां पर दोबारा उस काम के बारे में सोचने से भी घृणा हो जाए। मतलब उस काम को करने की एक लिमिट क्रॉस कर दो,
अगली बार अगर मनुष्य है तो उसके विचार नहीं आएगा उसका, और फिर अगर गलती से ही इधर सॉफ्टवेयर अलग सेट हो रखा है तो फिर वो तो कुछ कर नहीं सकते उसमें, तो चाहे वो सभी धरती पे आ जाए ना दोबारा तो भी कुछ नहीं किया जा सकता, है कि नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकली आपको लगेगा कि यार वास्तव में कुछ है, अपन कुछ कर सकते हैं बड़ा, ठीक है चलना। तो यहां से इन क्षैतिज रेखाओं को तो क्या कहते हैं, अक्षांश, और उद्वादर को क्या कहते हैं, देशांतर। अब मुझे बताइए क्या ग्लोब काल्पनिक स्वरूप था क्या? अरे हाँ, ये देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, कहीं चलते हुए देखा है कैसे? अरे काल्पनिक है, और इसके ऊपर ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची गई हैं, क्या ये वास्तविक है क्या? कभी ऐसा हुआ है कि चलते चलते कोई अक्षांश रेखा में अटक गए हो, कोई देशांतर में अटक गए हो? वास्तविक नहीं है, मतलब कैसी है, काल्पनिक है। कैसी है, काल्पनिक है। तो ये दो चीजें समझ में आ जाएंगी क्या, पक्की बात है, चलना। तो पहला पॉइंट बनाकर लिखना, लिखना पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप ग्लोब है, पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप ग्लोब है, पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप ग्लोब है, पृथ्वी का काल्पनिक स्वरूप क्या है, ग्लोब है। बात क्लियर है? ग्लोब जैसी संरचना के बारे में लाइन चेंज करके लिखना है, ध्यान रखना, पॉइंट बना बना के लिखते जाने हैं। ग्लोब जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले, ग्लोब जैसी संरचना के बारे में सबसे पहले बहम नामक विद्वान ने बताया था, वहां से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बहम नामक विद्वान ने बताया था, फिर लिखिएगा पॉइंट बनाकर, लिखना ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींची जा सकती हैं, ग्लोब पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींची जा सकती हैं। सर आप नोट डाउन, नहीं देखो आपको टारगेट नहीं करके रहा, आप में से जो भी भाई बहन डेमो लेने के लिए आया है ना वो भी लिख सकता है, घर जाके देखेगा क्या सामान लेके आया, दो घंटे में पता चला कुछ भी नहीं है अपने पास, जो अपने भाई खाते हैं इनमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा, तो क्या पता चला कि आपने दो घंटे का इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है चलना। अभी तो मैं आपकी बहुत 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 सुधार की आवश्यकता है, मैंने महसूस कर लिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई बागेश्वर धाम से ही आया हूं डायरेक्ट है ना, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि मैं इंटेंशन से हर चीज को समझ जाता हूं कि अभी किस व्यक्ति में कितने सुधार की आवश्यकता है, और आपको प्रैक्टिकली लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति जो कह रहा है ना ये सही कह रहा है, वास्तव में मेरे अंदर ये कमी है, इसे सुधारना ही होगा। अगर जो मैं कह रहा हूं उसमें से 10% बातों को भी आपने यहां पर सीख लिया ना, तो जीवन में कहां से कहां तक पहुंच जाओगे आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, ठीक है चलना, क्लियर है, लिखना नेक्स्ट पॉइंट। अब ऐसी बातें कई बार कहता हूं ना, तो हमारे राजस्थान का डीएनए भी ऐसा ही है, मैं अभी आते ही मैंने कहा 6 महीने में नौकरी, तो कई अरे गुरुजी बावड़ा ही बना दिया, ठीक है, और फिर कहते हैं 3 महीने में टॉपर, अब की बार तो नर्सिंग बावड़ा बना दिया, है कि नहीं है? तो ऐसे लगता है हमें, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में नई फाइल सपोर्ट होती नहीं है, आपको खुद को लग जाएगा विद इन 10 डेज कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तो ये चीजें, मैं तो मरे हुए आदमी में अगर प्राण झोंकने के काम किए हैं, मरा हुआ सच में मरा हुआ तो जिंदा किसी के बाप से नहीं हो सकता, लेकिन कई ऐसे जो जीवित रूप में भी मृत अवस्था में पाई जा रहे हैं उनके ऊपर भी मैंने काम किया है, ठीक है चलना। बाकायदा शर्त ये रहेगी कि आपको साथ चलना पड़ेगा, घर पे नहीं यहीं पे, ठीक है, लिखो पॉइंट बनाकर। खींची जाती है जो लिख दो ऐसे कैसे, सेम डायग्राम आप बना दो, और कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, बना दिया होगा आपने। अभी इनको और अच्छे से देखेंगे, चिंता मत करना कि कहीं अक्षांश देशांतर खत्म हो गए क्या, नहीं, अलग से हमारा विश्व भूगोल में टॉपिक है, ऐसे डायरेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन हमारे लिए समझने के लिए जरूरी है। अब कुछ एक टॉपिक्स ऐसे भी आएंगे जो मैं अपनी मर्जी से पढ़ाऊंगा, वो इसलिए ताकि और टॉपिक्स का बेसिक क्लियर हो सके वहां से, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, मतलब ऐसे एक्स्ट्रा नहीं कि हमारी परीक्षा में है ही नहीं, तो उसको तो पढ़ने से भी क्या मतलब है, ठीक है चलना। और आज घर जाके एक काम करेंगे, किसी भी विषय का लिखें नहीं लिखें, लेकिन जहां आपने पढ़ने का जो अपना एक वर्किंग स्टेशन बना रखा है ना, और प्रॉपर पढ़ने का एक वर्किंग स्टेशन होना चाहिए, कईयों का पता ही नहीं कहां बैठ के कब पढ़ रहे हैं, अपने गांव में कहावत होती है ना, जिस परिवार का उठाऊ चूल्हा होता है ना उसका घर बसता है क्या, नहीं, उसका एक फिक्स चूल्हा होता है कि ये खाना यही बनाएगा,
कभी एक दिन छत पे बना रहा है, एक दिन वहां बना रहा है, कभी वो टिकता ही नहीं, ध्यान रखना उसका घर नहीं बच सकता सर, ये सत्य बात है। तो आपका पढ़ने का एक वर्किंग स्टेशन होना चाहिए फिक्स, और उस वर्किंग स्टेशन में जाते ही एक ऐसी अदृश्य शक्ति काम करनी चाहिए कि आप कहीं अलग जगह ही आ गए हैं। मंदिर में आप में बहुत सारे लोग जाते होंगे, मंदिर में जाते ही किसी के नकारात्मक विचार आए हैं क्या आज तक? क्यों भगवान लठ लेके बैठा है क्या, कल विचार ला मैं तेरा भी गेम बताता हूं, ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिक अदृश्य शक्ति वहां पर काम करती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सकारात्मक विचार आ जाते हैं। तो आप अपने वर्किंग स्टेशन को जैसे मैं कह रहा हूं वैसे सजा देंगे ना, गारंटी की बात है, नहीं पढ़ने वाला आदमी भी एक बार तो जाके मजबूरन वहां बैठ के पड़ेगा उस सीट पे, ठीक है? और अगर यही चालू अवस्था में है ना चलता फिरता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? चलना तो अपना जो सिलेबस है भूगोल विषय का, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सिमिलर है ऐसा ही और आरएस दोनों में, उसको आज घर जाके अपने पर्सनल हाथों से आप लिखेंगे, चाहे आप कोचिंग कहीं भी करें उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सनल हाथों का मतलब है कि उसका प्रिंट आउट निकलवा के लगाएंगे नहीं, कॉपी में लिखेंगे और उसको अपने वर्किंग स्टेट में चिपका देंगे, ताकि पता रहे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पता चला कि मैं आपको गोली देके कुछ और ही पढ़ा गया तो और कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता? मन में से बहम निकाल देना, विश्वास रखना मेरे ऊपर, अंधविश्वास मत करना, ठीक है? चलना आ जाओ, डरना नहीं है, सही आदमी वैसे, ठीक है? लिखो, लिखना पॉइंट बनाकर, दो प्रकार की होती है। अब देखो ध्यान देना, ये हमारा बेसिक हो गया। अब दूसरी चीज आती है, कॉपी बंद कर दो, कॉपी बंद कर दो, ठीक है? ये दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, तो थोड़ा और छोटा कर देते हैं एक बार, ठीक है? ठीक है, ये भारत दिख रहा है। अब इस भारत में इंपोर्टेंट चीज हमारे लिए जो काम की है, ये क्यों लिया यहां पे? आपने भारत के अंदर एक पर्वत श्रेणी पढ़ी होगी, हिमालय, और हिमालय पर्वत श्रेणी का आगे चल के पढ़ेंगे अपन, नहीं पढ़ी तो कोई दिक्कत, चिंता मत करना, नाम तो कहीं सुना होगा, उड़ते चलते फिरते कहीं तो हिमालय सुना होगा। हिमालय का ही एक भाग आता है चाइना के अंदर, वैसे तो तिब्बत है लेकिन तिब्बत अब स्वतंत्र रूप से नहीं है, चाइना के अंडर में है। वहां से एक पर्वत है जिसका नाम है कैलाश पर्वत, और इस कैलाश पर्वत से एक धारा निकलती है जिस धारा का नाम क्या है? सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। बात क्लियर है? यानी यहां से एक धारा का ओरिजिनेट होता है जिसका नाम क्या है? सिंधु है। क्या है? सिंधु। और सिंधु नदी जो है यहां आगे चलकर अरब सागर में जाकर गिरती है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है, चलना। मैंने एक बात कही थी कि सबसे पहले इस जगत विषय में जिसने घूमना स्टार्ट किया था ना, वो ईरानी और यूनानी थे। मैंने पहले भी कहा था इनके जिम में बाड़ा ज्यादा नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते थे, कुछ नया करना चाहते थे। अब ये जो है ना, सारे के सारे इस साइड से भारत में घूमने के लिए आते हैं, भारत में घूमने के लिए आते हैं। अब किसी का कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कोई यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से आ सकता है, या फिर कोई व्यापारिक उद्देश्य से आ सकता है, या फिर कई हो सकता है कि अपने कोई नॉलेज बढ़ाने के या कोई अलग रिसर्च करने के उद्देश्य से आ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पे इनको जैसे ही भारत के मेन पार्ट में एंट्री लेनी होती थी ना, तो इनको सिंधु नदी को क्रॉस करना पड़ता था। किसको क्रॉस करना पड़ता था? सिंधु को। अब यहाँ पे ये सिंधु नदी है। अब इनके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ही चीजें क्या थी? गलत थी, डीएनए में थोड़ी खराबी थी, फिर वो भारत में फैला गया लास्ट तक, है ना, ठीक है? अब इसमें मैं कह रहा हूं कि एक तो सबसे पहले बात आती है यूनानी, और एक आती है ईरानी, ठीक है? ठीक है, ये दो लोग आते हैं, एक तो यूनानी और एक ईरानी। ईरानी जैसे ही आए, तो ईरानी यहां पे आए, आते ही इन्होंने देखा कि यहां पे कौन सी नदी बह रही है? सिंधु। यहां के लोगों से पूछा कि ये कौन सी नदी है, तो उसने कहा सिंधु है। कौन सी है? सिंधु। अब इनके सुनना कीबोर्ड में खराबी, इन्होंने तो कहा सिंधु, यहां वाले लोगों ने, ये सैको बोलते थे है, क्या बोलते थे? है। तो इन्होंने बोल दिया, बोले ये सिंधु नहीं, कौन है? हिंदू है। कौन सी है? हिंदू। तो शब्द को पकड़ना यहां से, देखो अब ईरानियों पे ध्यान हटा दो, कई ईरानियों को ही देख रहे हैं अभी, है ना, ठीक है? तो यहां पे इन्होंने, ईरानियों ने आते ही सिंधु नदी वाले पार्ट को, यानी सिंधु नदी को क्या कहा? हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। क्योंकि ये से का उच्चारण किसके रूप में कर रहे थे? है के रूप में कर रहे थे। किसके रूप में? है के रूप में। तो यहां पे आते ही इन्होंने इस वाले पार्ट को कहा कि ये हिंदू, और ये हिंदुओं का जो स्थान निर्धारित किया गया है ये कौन सा है? हिंदुस्तान है। कौन सा है? हिंदुस्तान। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यहां पे इस वाले भाग के लिए या भारत वाले भूभाग के लिए जो ईरानी व्यक्ति थे या जो ईरानी यात्री थे, इन्होंने कौन सा शब्द काम में लिया? हिंदुस्तान।
ये पता चल गया इन्होंने हिंदुस्तान क्यों कहा, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये सिंधु नदी वाला पार्ट था, इसको क्रॉस करके भारत में आना पड़ता था और सिंधु को ये बाई डिफॉल्ट ही सैको क्या बोलते थे, है, क्या बोलते थे, है, यानी इनके उच्चारण में मिस्टेक थी, उच्चारण में क्या थी, मिस्टेक थी, ठीक है। तो अब इन्होंने यहां पर इस सिंधुस्तान को क्या बोल दिया, हिंदुस्तान बोल दिया, क्या बोल दिया, हिंदुस्तान। अब आए यूनानी, ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़े लिखे थे, ये कुछ एक्स्ट्रा पढ़े लिखे थे, तो इन्होंने क्या किया, इस सिंधु का अंग्रेजी टर्म देखा, अंग्रेजी टर्म देखा, तो अंग्रेजी टर्म जो आता है ना वो आता है यहां से इंडस, क्या आता है, इंडस। इन्होंने देखा कि इंडस के पास जो एरिया बसा हुआ है इसको हम एक शब्द दे देते हैं जिसका नाम रहेगा इंडिया, क्या नाम रहेगा, इंडिया। तो भारतवर्ष के लिए जो इंडिया शब्द काम में लिया वो किसने लिया, यूनानियों ने, बात क्लियर है। यूनानियों ने काम में क्यों लिया, क्योंकि दोनों के मिस्टेक क्या थी, सिंधु वाली थी, क्योंकि सिंधु को क्रॉस करके भारत में आना पड़ रहा था, तो ये से का उच्चारण है के रूप में करते थे और ये इस सिंधु नदी को अंग्रेजी भाषा में क्या बोल रहे थे, इंडस बोल रहे थे। आपने इंडस रिवर पढ़ा होगा, अपन सिंधु को ही इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने इस इंडस के आधार पर इस भौगोलिक भाग के लिए क्या शब्द काम में ले लिया, इंडिया। तो भारत के लिए दो नाम सॉफ्टवेयर में सपोर्ट हो जाएंगे, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया और हिंदुस्तान ये दो शब्द जो हैं ये विदेशियों के द्वारा दिए गए हैं, जिसमें एक तो यूनानी है और एक ईरानी है। पहली बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। एक बार मैं हटा देता हूं फिर दोबारा से इनको अच्छे से लिखवा दूंगा एक बार, ठीक है। ये दो बातें सपोर्ट हो गई, कंट्रोल प्लस एस दबा के सेव कर दो, कीबोर्ड में दोनों एक साथ प्रेस होते हैं कि नहीं होते, सबके खराबी अभी मैं करवा दूंगा ठीक अभी, है ना, ठीक है, चलना, एक साथ प्रेस होंगे देखना, अभी नहीं होंगे मुझे पता है ना, चिंता मत करो, पर कीबोर्ड ठीक हो जाएगा, चलना। अब समय बीतता जाता है और एक शब्द आता है भारत के लिए, आपने पढ़ा होगा भारत, पढ़ा था क्या, ये ऐसा कहा जाता है कि ये किसी राजा के नाम पर पड़ा था, किसी राजा के नाम पर, और राजा भरत, राजा भरत। अब आपको राजा भरत के बारे में अगर पढ़ना है ना तो उसके लिए आपको वायु पुराण पढ़ना पड़ेगा, कौन सा पुराण, वायु पुराण, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आ गया, पढ़ने की जरूरत है नहीं है, मैं पढ़ के आ गया। वायु पुराण के अंदर ऐसा कहा जाता है कि आपको एक व्यक्ति का नाम मिलता है राजा दुष्यंत, सुना होगा, ये राजा दुष्यंत के पुत्र हुआ करते थे, कौन, भरत। तो उस राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही एक तरीके से एक अलग नाम आ गया जिसका नाम क्या पड़ गया, भारत। अब ये भरत जो है ना आगे चलकर एक कबीले का जनक बनता है और उस कबीले का पूरा जो सिस्टम फैला हुआ था ना हमारे भारत में फैला हुआ था। तो हम भरत जो है शब्द यानी ये जो है एक जन या कबीले से संबंध भी हो सकता है, लेकिन ये शब्द हमारे ऑथेंटिक नहीं माना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो किसके आधार पर सम्मिलित किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं राजवंश के आधार पर, क्योंकि भरत जो था वो एक राजा का पुत्र था। अब दुष्यंत भी भारतवर्ष के अंदर एक राजा हुए थे कि नहीं हुए थे, हुए थे। इस बात की जानकारी कहां से मिल रही है, वायु पुराण से मिल रही है, कहां से मिल रही है, वायु पुराण से। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान देना है कि भारत जो है वो राजवंश के आधार पर हो गया, किसके आधार पर हो गया, राजवंश के आधार पर। फिर हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ना वो एक बात और बताते हैं कि आज जो हमारी पृथ्वी है ना जो आपको दिखाई दे रही है ये एक टाइम जो है इस तरीके से कंप्लीट, सुनना कंप्लीट ध्यान देना, यहां पे इस तरीके से अलग अलग बोला सात महाद्वीप थे, लेकिन हम इस बात को स्वीकार नहीं करते, हम इस बात को स्वीकार इसलिए नहीं करते कि ये महाद्वीपों वाला कंसेप्ट बाद में शुरू हुआ है, क्योंकि हम महाद्वीपों को जहां से पढ़ना शुरू करते हैं ना वहां पे एक सिद्धांत आता है वेगनर का, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। वेगनर ने ऐसा कहा था कि एक बहुत बड़ा भूभाग था जिसे पेंजिया कहा गया और कालांतर में ये टूट टूट कर अलग हो रहा है, आज भी ये क्रिया जारी है, आज भी ये प्रक्रिया क्या है, जारी है। इस बात का प्रमाण भी मैं आपको दूंगा कैसे जारी है, बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला उसी समय भी क्या है, सात छोटे छोटे टुकड़े हुआ करते थे, सात छोटे छोटे क्या है टुकड़े हुआ करते थे, और इन टुकड़ों के अंदर एक टुकड़ा बड़ा सारा था, उसे कहा जाता था जम्बू क्षेत्र, क्या कहा जाता था, जम्बू क्षेत्र, क्या कहा जाता था भाई, जम्बू क्षेत्र। अब ये जम्बू क्षेत्र जो है ना ये हमारे जो है
प्राचीन जो शास्त्र हैं उनमें मिलता है, उनमें मिलता है। आपने देखा होगा कि हमारे जनरली कोई भी ब्राह्मण आता है तो वो आपके मांगलिक कार्य करवाता है, तो वो आपके नामों का उच्चारण, गोत्र का उच्चारण, फिर लास्ट में ये कहता है कि जम्बू द्वीपे, यानी हमारी उत्पत्ति को कहां से मानते हैं, जम्बू द्वीप से। अब जम्बू द्वीप जो है ना मेन रूप से भारत वाला पार्ट था, कौन सा था, भारत वाला पार्ट। तो भारत के लिए एक नाम शब्द इस्तेमाल होगा जिसको अपन कहेंगे जम्बू द्वीप। तो क्या जम्बू द्वीप जो है ये आपके भारत का प्राचीन नाम हो सकता है क्या, सबसे पुराना नाम यही माना जाता है। तो आप यदि आपसे पूछता है एग्जामिनर कि भारत के लिए जो प्राचीन नाम शब्द इस्तेमाल किया गया है वो कौन सा किया गया है, जम्बू द्वीप, कौन सा किया गया है, जम्बू द्वीप। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। समय बीतता जाता है, बीतता जाता है। यहां पर मध्य एशिया वाले पार्ट से, मध्य एशिया वाले पार्ट से लगभग ये बातें जो हैं, अब देखो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, ये बात है 1500 बीसी पहले की, 1500 बीसी पहले की। आपने एडी और बीसी का कंसेप्ट तो सुना होगा, बीसी मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की घटनाएं और एडी मतलब ईसा के जन्म के बाद की घटनाएं। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल लॉजिक यही पढ़ा होगा आपने। अब इसमें क्या है कि जो सबसे वैध मत माना जाता है वो माना जाता है कि भारत वर्ष के जितने भी लोग हैं ये आर्यों की संतान है। ये शब्द किसका है, मैक्स मुलर का है। किसका है, मैक्स मुलर का। आप इतिहास के अंदर इन चीजों को पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए होंगे। मैक्स मुलर का सबसे एक तरीके से वैध मत माना जाता है भारतीयों के संबंध में कि भाई भारतीय जो है ना आर्यों की संतान है। ये आर्य जो थे ना यहां से प्लाइन करके भारत वाले पार्ट में आ गए। अब ये उस समय की बात है जब भारत का ये कंप्लीट जो भाग था ना एक ही रूप में था, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, यानी भारतवर्ष बहुत बड़ा भारतवर्ष था ये, जिसमें ये कंप्लीट भाग आ जाता था जो दक्षिणी एशिया का कंप्लीट भाग है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आर्य आकर भारत के अंदर रहने लगे और इन्होंने अपनी वंश वृद्धि करना स्टार्ट कर दिया और इनकी संख्या इतनी हो गई कि एक भारतवर्ष का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इस भारत के लिए एक शब्द काम में लिया जाता है आर्यावर्त, आर्यावर्त शब्द काम में क्यों लिया था, क्योंकि भारतीयों को आर्यों की संतान माना गया है। किसकी संतान माना गया है, आर्यों की। एक सेकंड, चलना थोड़ा सा समझ आता हूं, ठीक है, चलना ध्यान देना। अब आपसे पूछा जाए कि भारत के विभिन्न नामों के बारे में तो आप क्या क्या अलग अलग बता सकते हैं, क्या भारत वर्ष के लिए कितने नाम उपयोग हुए हैं, सारे नामों का इतिहास मैंने आपको बता दिया किस किस आधार पर कौन कौन सा नाम यूज हुआ है। बात क्लियर है क्या। अब यहां से आगे चलकर आर्यों की संतान होने के कारण इस भारत वर्ष के लिए हमने क्या शब्द काम में ले लिया, आर्यावर्त। क्या ले लिया, आर्यावर्त। तो अब एक पॉइंट बनाकर लिखिएगा भारत के विभिन्न नाम। अभी मैं आगे चलकर संवैधानिक स्थिति को भी आपके समकक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, चलना। लिखिएगा पॉइंट बनाकर, लिखना भारत के संबंध में विभिन्न प्रचलित नाम, भारत के संबंध में विभिन्न प्रचलित नाम, विभिन्न प्रचलित नाम, ठीक है, चलेगा। अब सबसे पहले हम लोग नंबर एक बात करते हैं, कौन सा, सबसे पहले आप बात कर लो हिंदुस्तान। हिंदुस्तान किसने कहा भाई, ईरानियों ने कहा। किसने कहा, ईरानियों ने। बात क्लियर है, ईरानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा। क्या शब्द काम में लिया गया, हिंदुस्तान। क्या शब्द काम में लिया गया, हिंदुस्तान। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलना। फिर हमने सेकंड जो सोर्स लिया वो किसका लिया, यूनानियों का। यानी जो यूनानी विद्वान थे उन्होंने भारतवर्ष के लिए क्या शब्द काम में लिया, इंडिया। मैंने दोनों अलग अलग आपको बता दिए हैं क्योंकि ये सिंधु नदी को
हिंदू बोलते थे और वो सिंधु नदी को इंडस रिवर बोलते थे। उस आधार पर उधर से सिंधुस्तान का हिंदुस्तान बना दिया और इधर इंडस के आसपास का एरिया इंडिया बता दिया। किसने? यूनानियों ने। तो यहां से इन्होंने शब्द क्या काम में लिया भाई आपके, सॉरी एक मिनट, ओहो कोई बात नहीं, यहां पे हम लिख सकते हैं इंडिया, ठीक है इंडिया। इंडिया किसके द्वारा दिया गया था? यूनानियों के द्वारा, यूनानी लोगों ने, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना, चलना। फिर नेक्स्ट हम यहां से एक शब्द ले सकते हैं भारत। भारत किसके आधार पर है सर? राजवंश के आधार पर। किसके आधार पर? राजवंश के आधार पर और राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं राजवंश के आधार पर, राजवंश के आधार पर, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना, चलना। फिर नेक्स्ट हम इसी में लिख सकते हैं एक शब्द और, कौन सा? जम्बू द्वीप। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या प्राचीन ग्रंथों के आधार पर, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ यही तो बताते हैं ना कि भाई भारत के, भारत समेत यहां पर 7 बड़े भाग हुए थे जिनमें से एक मध्य में जो भाग था सबसे बड़ा था उसे जम्बू क्षेत्र दाम दिया गया था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, पक्की बात है ना, चलना। फिर भी किसी भाई बहन के दुख दर्द बढ़े तो बता देना। और क्या था भाई यहां पे? आर्यव्रत था क्या? आर्यव्रत। ये क्यों कहा? आर्यों की संतान होने के कारण, आर्यों की संतान होने के कारण है। तो क्या ये सभी आपके जो मैंने यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं आपके सॉफ्टवेयर में सपोर्ट हो रहे हैं क्या? किसी के कोई दिक्कत, फाइल छोटी बड़ी करनी हो तो मुझे बता देना, मैं करके सेट कर दूंगा, ठीक है, पक्की बात है ना, चलना। अब यहां पे वापस कॉपी को बंद कर दो। हमने भारत का संविधान पढ़ा, भारत का संविधान पढ़ा, और भारत के संविधान में जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें एक शब्द आता है अनुच्छेद। क्या आता है? अनुच्छेद। अब देखो हमें यहां पर पॉलिटिकल साइंस में ज्यादा नहीं जाना है कि भाई अनुच्छेद कितने हैं, क्या है, अलग अलग आपको कुछ भी याद नहीं रखना, केवल पहला अनुच्छेद याद रखना है, पहला अनुच्छेद याद रखना है और उसका सब पार्ट नंबर एक, यानी अनुच्छेद एक का भाग पहला। अनुच्छेद एक का भाग पहला क्या कहता है? हाँ कोई एक जना बोले तो मेरे भी सिस्टम में सपोर्ट हो फाइल, हाँ कोई भी एक बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत डैश हम एक शब्द लिख सकते हैं इंडिया, राज्यों का एक संघ है, राज्यों का एक संघ है मतलब समूह है। बात क्लियर है? तो इसने एक यहां पे शब्द काम में लिया कि भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि संवैधानिक तौर पर भारत के दो नामों को मान्यता प्राप्त है, संवैधानिक आधार पर भारत के दो शब्दों को क्या है? मान्यता प्राप्त है, भारत और इंडिया। तो संविधान में दो ही नाम है, संवैधानिक स्थिति के आधार पर कितने नाम हैं? दो हैं, बाकी इनका संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। और संविधान में भी कहां पर है? अनुच्छेद एक के भाग एक में, अनुच्छेद एक के भाग एक में। तो भूलने का भी लफड़ा नहीं है, बोला एक 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 एक, एक साथ में एक एक ग्यारह भी हो जाते हैं, एक एक ग्यारह भी हो जाते हैं, मैंने कईयों के होते हुए देखे परीक्षा तक, ठीक है। तो लिखो, लिखना, भारतीय संविधान के अनुसार, या आप थोड़ा अलग से लिखना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद एक
के भाग एक में अनुच्छेद एक के भाग एक में मतलब भाग पहला, ठीक है, भाग एक में भारत ऑब्लिक इंडिया शब्दों का उल्लेख किया गया है। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? पक्की बात है ना? चलना, समस्या आ जाएगी क्या? कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती सर, ठीक है, चलना। अब यहां तक की चीजें सपोर्ट हो रही हैं क्या? पक्की बात है ना? चलना। अब हमने ये केवल अभी तक का भारत का बेसिक तैयार किया था, भारत का क्या है, बेसिक तैयार किया था। अब हम इसमें जो पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो पढ़ेंगे भारत की अवस्थिति और विस्तार, अवस्थिति और विस्तार। इतनी देर तक चिंता हो रही थी कि चल क्या रहा है, बेसिक चल रहा था, ठीक है, चलना। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा लगाइएगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। अब मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अभी लिखना नहीं है, मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा। स्थिति जो है ना, वो दो प्रकार से देखेंगे। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। किसी चीज की भी आप देख लो, भारत की नहीं, आप चाहे राजस्थान की देख लो, आप चाहे कोई अन्य पड़ोसी देश की देख लो, या कोई राज्य की देख लो, या आपकी देख लो भले, ठीक है, दूसरे पे क्यों जाना। स्थिति दो प्रकार से देखी जाती है सर। एक तो होती है सापेक्ष, अब मैं बताऊंगा सापेक्ष और निरपेक्ष में अंतर क्या होता है। एक होता है निरपेक्ष। अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, थोड़ा सा सिस्टम में अच्छे से सपोर्ट करना। मैं ये कह रहा हूं कि स्थिति दो प्रकार से होती है, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष स्थिति में ही निरपेक्ष स्थिति अंतर्निहित होती है। क्या मैंने स्टेटमेंट जो कहा सही है क्या? सापेक्ष स्थिति में ही निरपेक्ष स्थिति अंतर्निहित होती है। मेरी बात सही है? मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा किस प्रकार से सही है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सापेक्ष स्थिति को देख लेते हैं तो निरपेक्ष ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, या इसी में ये इंक्लूड है। क्योंकि जो निरपेक्ष और सापेक्ष है ना, जो अलग प्रकार से कैसे देखी जाती है, सबसे पहले सापेक्ष स्थिति जो देखी जाती है ना, वो सूर्य ऑब्लिक दिशा के अकॉर्डिंग देखी जाती है। और मैंने अभी कहा था कि एक लफड़ा चल रहा था दिशा दूरी का, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक काल्पनिक स्वरूप बनाया था ग्लोब। ग्लोब बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? क्योंकि दिशा दूरी को लेकर जो है लफड़ा हो रहा था, इसलिए उसका मैटर सोल्व हो उसके लिए हमने क्या बना दिया, ग्लोब। ग्लोब के ऊपर दो काल्पनिक रेखाएं खींची थी, एक तो अक्षांश और एक देशांतर। तो निरपेक्ष स्थिति दो प्रकार से देख सकते हैं, एक तो अक्षांशीय और एक देशांतरीय। अब मुझे बताइए, अगर आप सबसे पहले ठीक है, सबसे पहले अगर अक्षांशीय स्थिति को देख लें और देशांतर स्थिति को देख लें, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपने सबसे पहले दिशा को देख लिया, क्या दिशा देख ली तो क्या अक्षांश और देशांतर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगे क्या? मतलब आ जाएंगे, क्योंकि अपने को पता है दिशा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, उसके लिए इन दोनों का साथ होना क्या है, जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सापेक्ष स्थिति के अंदर ही निरपेक्ष अंतर्निहित होता है। बात समझ में आ जाएगी, बेसिक बात है। अभी इनको एक एक दो दो करके खोल खोल के देखेंगे। विस्तार में सर तीन चीजों का होना जरूरी है, ठीक है, विस्तार में तीन चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले जिस भी प्रदेश के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं उसकी आपको एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल। यानी इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपने देख लिया कितना है, फिर उसको देखो चारों तरफ से घूम घाम के उसकी आकृति कैसी है। अब आकृति भी सबका नजरिया अलग अलग होता है, सबका नजरिया अलग अलग होता है, स्टेटमेंट बदलते हैं। हमारे राजस्थान में भी स्टेटमेंट बदले हैं खूब सारे, ठीक है। कईयों को राजस्थान पतंगाकार दिखता है, कईयों को शक्करपारा जैसे दिखता है, कईयों को विषमकोणीय चतुर्भुज दिखता है। तो वो देखने के ऊपर निर्भर करता है कि उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है। आप क्लास में अभी तो क्या है, एक दूसरे से मित्रता नहीं हुई, लेकिन मुझे इतना पता होता है कि बच्चे 10 दिन में तो एक दूसरे की पूरी जन्म कुंडली निकाल देते हैं। इसकी बुआ कौन है, इसका फूफा कौन है, इसका मामा कौन है, निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या है, थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर सिलेक्शन लेना है ना, तो पड़ोसी भी आपका अनजान होना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी आज तक किसी का डंका हुआ ही नहीं है। मैंने कह रहा पड़ोसी बदल लो, जानकारी मत निकालो,
क्योंकि जानकारी यहां निकालनी है तो सिर्फ पढ़ाने वाले से निकालनी है, पढ़ाने वाले से भी क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मैटर ये नहीं करता कि वो कहां से आता है, क्या करता है, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि वो उसका निजी है, आपका भी अपना निजी है। तो अपने जीवन को भी निजी है, उसको आप थोड़ा सा प्राइवेट रखें और आगे वाले का भी थोड़ा प्राइवेट रहने दें, ठीक है। क्योंकि हालचाल रिये सब चीजें दोस्तों से पूछी जाती हैं, तो हम यहां दोस्त हमारी किताबें रहेंगी, न कोई हमारा पड़ोसी रहेगा, न कोई शिक्षक रहेगा, ठीक है। चलना, आ जाइए वापस आकृति। आकृति के बाद में हम देखेंगे उसकी सीमा, सीमा देखेंगे, उसकी बाउंड्री देखेंगे, उसकी बाउंड्री कैसी है। कहीं कोई जल से तो जुड़ी हुई नहीं है, कहीं कोई स्थल से जुड़ी हुई नहीं है। अब स्थल में भी क्या कोई पड़ोसी देश लग रहा है या कोई राज्य लग रहा है, उन सब की चर्चा यहां आपसे करेंगे। तो ये हमारा आने वाले दो दिन का क्या रहेगा, कार्यक्रम रहेगा। एक बार इसको नोट डाउन कीजिएगा ऐसे कैसे, फिर एक एक दो दो करके इनमें पढ़ते हैं कैसे कैसे हम इस चीजों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लिखने की स्पीड फास्ट रहे, अब रफ कॉपी में लिखना है यहां से, कईयों ने तो आज परमानेंट बही खाते जचा ली यहीं पे, है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। और अच्छे से पढ़े आप, और कल इसको पढ़ के आ जाना, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। क्लास शुरू हो उससे पहले मैं 5 मिनट का समय दूंगा आपको पूछने के लिए, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये स्कीम आगे तक चालू रहेगी, ऐसा नहीं कि आपका टिकट बन गया फिर मैं ऐसे मेरे रंग बदल गए ना, ये लास्ट तक जारी रहेगा। समस्या रहेगी नहीं, टेंशन मत लो। दिशा या दूरी, ओ सॉरी सूर्य या दिशा, या लगाओ बीच में सर, आपके मास्टर ने भी लगा रखा है ना, देखो लगा रखा है ना, लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये लिख के कॉपी बंद कर दो, क्योंकि सब मोह माया है, त्याग दो, क्या है इस कॉपी में, कुछ भी नहीं है, सीधे बैठ जाओ, ठीक है। आगे अब देखो आगे की कहानी क्या है वो मैं समझता हूं, ठीक है। चलना, देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल इन सब चीजों को ज्ञात करने के लिए मैंने अभी दिशा दूरी निकालने के लिए मैंने एक आकृति लेके आया था, और आकृति का नाम क्या था, ग्लोब था, क्या था, ग्लोब था। अब देखो मैं एक आकृति आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, दिख रही है, पक्की बात है, गोल दिख रही है। मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि इस पे दिशा का ज्ञान होना चाहिए। अब दिशा कई बार क्या होती है, हमारी गलत हो जाती है, और जिस आदमी की दिशा ठीक है ना उसकी दशा ऑटोमेटिक सही है, जिसकी दिशा खराब है ना उसकी दशा ऑटोमेटिक खराब हो जाती है। किस्मत को दोष मत दिया करो, किस्मत कुछ भी नहीं करती, हम हमारा भाग्य खुद लिखते हैं। आज अगर हमने अच्छा किया है कल ऑटोमेटिक इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये इस बात की गारंटी है, आपकी गारंटी हो ना हो, आप कल रहे ना रहे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आज अच्छा करेंगे उसका कल रिजल्ट अच्छा आएगा, 100% है मैं कह रहा हूं, 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, ठीक है। चलना, आ जाओ। अब मैंने इस पे सबसे पहले दिशा देखनी है। अब दिशा को लेकर कई बच्चों के बेचारे रटते हैं फिर भूल जाते हैं, रटते हैं फिर भूल जाते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके पास कक्षा 11-12 में भूगोल विषय रहा हो, प्रश्न नहीं पूछूंगा चिंता मत करो, हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हाँ चलेगा। आपने देखा होगा कि आप जब भूगोल विषय पढ़ रहे थे उस समय आपने एक इस प्रकार से एक यंत्र का नाम सुना होगा, इसको बोलते थे कंपास। क्या बोलते थे, कंपास। ये दिशा ज्ञात करने का एक यंत्र हुआ करता था, और इस कंपास के अंदर एक ही दिशा हुआ करती थी, और वो दिशा नॉर्थ बोले तो उत्तर। जिस समय ये कांटा एन के सीध में होता था, मान लिया जाता था हम किस दिशा में जा रहे हैं, उत्तर में। इस उत्तर के विपरीत जो दिशा मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी, दक्षिण। क्या मानी जाती है, दक्षिण। तो मुझे बताइए क्या पृथ्वी पर मूल दिशाएं कितनी हैं, दो। अभी 4 बार का लपड़ा, क्योंकि सिस्टम में 4 सपोर्ट हो रखा है, डिलीट करो उसको, ठीक है, ध्यान देना। पृथ्वी पर मूल दिशाएं कितनी है, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण। सबसे पहले ज्ञात दिशा कौन सी है, उत्तर है, क्योंकि सबसे पहले ज्ञात है और सबसे ज्यादा काम में आती है, इसीलिए तो कंपास में एन को प्रायोरिटी दी। एस को भी तो दे सकते थे ना, क्यों नहीं दी, क्योंकि हमें पता है कि
एन सबसे ज्यादा काम में आ रहा है और एन पकड़ में आ गया तो ये तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बात क्लियर है। अब इसमें देखो आप जब ये कंपास आप अपने सामने ऐसे रखते हो तो एन जो है वो क्या आपकी खोपड़ी की ओर आता है? क्या आता है? एन हमेशा आपकी खोपड़ी की ओर आता है और एस हमेशा आपके पैरों की ओर आता है। तो ध्यान रखना जीवन में किसी भी तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं अगर आपके सामने पुस्तिका रखी हुई है तो आपकी खोपड़ी की ओर हमेशा क्या रहेगा? उत्तर रहेगा। बोल गुरुजी मैं उल्टा हो जाऊं तो पुस्तिका भी उल्टी हो जाएगी तो उत्तर आपके खोपड़ी की ओर ही रहेगा। ठीक है। कईयों के क्या फिर गलत विचार आते हैं, बोला मैं ऐसे घूम जाऊं तो आप चाहे इधर खड़े हो चाहे इधर खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पुस्तिका की स्थिति आपके सामने होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जहां आप बैठे हैं उस कंडीशन में आपकी खोपड़ी की ओर उत्तर, मैं जा खड़ा हूं मेरी खोपड़ी की ओर उत्तर, मतलब दिशा तो नहीं बदलेगी। दिशा नहीं बदलेगी इसका मतलब दशा भी ठीक रहेगी। बात क्लियर है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखना है कि खोपड़ी की ओर हमेशा क्या होता है? उत्तर। पैर की ओर हमेशा क्या होता है? दक्षिण। क्या ये पृथ्वी पर मूल दिशाएं हैं? क्या मैं भी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा ये मूल दिशाएं क्यों है, कारण है उसके पीछे, सुनना। ये मूल दिशाएं होगी। अब आपको पता है दो दिशाएं आती हैं कैसी? उपदिशाएं। कैसी दिशाएं आती हैं? उपदिशाएं, यानी जो मूल में शामिल नहीं है। आपको पता है ये राइट है और ये लेफ्ट है। किसका? मेरा। अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं तो आपका लेफ्ट मेरा राइट, मेरा राइट आपका लेफ्ट। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना। ये मेरा राइट है, राइट की ओर हमेशा क्या होता है? पूर्व। और लेफ्ट की ओर हमेशा क्या होता है? पश्चिम। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब मुझे बताइए यहां से एक दो तीन चार मुख्य दिशाएं कितनी? इनमें से दो। अब मुझे टोटल दिशाएं निकालनी है। टोटल क्या निकालनी है? दिशाएं। अब मैंने क्या किया, यहां से एक तो यहां पे दिशा माननी थी, एक यहां पे माननी थी, एक यहां पे माननी थी, एक यहां पे माननी थी। अब मैं क्या है कि वहां से स्टार्ट करूं जरूरी नहीं है, मेरी इच्छा कहीं से भी स्टार्ट करूं। आपकी कोई इच्छा है तो बता दो, इसी में ऐसी कोई और इच्छा नहीं गुरु जी, मेरे तो वह इच्छा हो रही है। कोई भी एक खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं खड़ा करूंगा फिर। कोई भी अपनी इच्छा से खड़ा हो जाए, कोई दिक्कत। अरे अब ये सोच रहे होते हैं कोई तो खड़ा हो ही जाएगा शायद, कोई ने सबने यही सोच रखा है कि कोई तो होगा, कोई नहीं होगा। अरे मैं गोल, हाँ आप बंधु, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछूंगा, मैं तो सिर्फ आपसे आपकी चॉइस पूछ रहा हूं कि मैं इन दिशाओं को ज्ञात करना कहां से शुरू करूं, इस एंगल से करूं कि इससे करूं कि इससे करूं कि उससे करूं, जहां से आप बोलोगे यहां से स्टार्ट करूं, इस एंगल से। कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए। अब मैं यहां इस एंगल से चल रहा हूं, मैं पहले तो ये देखता हूं दो दिशाएं कौन कौन सी हैं। एक तो उत्तर है और एक पूर्व है। पहले मुख्य का नाम आएगा कि गुण का आएगा? मुख्य का आएगा। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? उत्तर। फिर कौन सा लिखूंगा? पूर्व। अब कईयों के दिमाग में आता है क्लॉकवाइज चलते आ रहे हैं इसलिए मामला सेट हो रहा है। क्लॉकवाइज चलते आइए, यहां पे नियम के अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज का नियम क्या कहता है कि पहले पूर्व को लिखो फिर दक्षिण को लिखो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। दक्षिण पूर्व लिखा जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि दो दिशाएं दक्षिण और पूर्व, इनमें से मुख्य कौन सी है? क्योंकि दो ही दिशाएं मुख्य, पहली कौन सी है? दक्षिण, और गौण कौन सी है? पूर्व। तो क्या ये एक उपदिशा और आ जाएगी? क्या? दक्षिण पूर्व। ऐसे ही मैं यहां पर चलता हूं, कोई समस्या नहीं है, दक्षिण पश्चिम, कोई समस्या नहीं है, उत्तर पश्चिम। तो अब ये तय हो गया क्या कि पृथ्वी पर मूल दिशाएं दो ही हैं? इस बात को यहां पे इसने चित्र ने बता दिया कि भाई मूल दिशाएं दो ही है, तीसरी नहीं है। अगर तीसरी होती तो इनमें झगड़ा हो जाता दोनों में, इन दोनों में, कि नहीं तेरा नाम पहले कैसे आएगा, मेरा क्यों नहीं आएगा, मैं दिशा नहीं हूं क्या? इसलिए इनमें मुख्य दो ही रखी गई हैं ताकि इनके बीच में कोई झगड़ा नहीं हो, कोई आपके ऐसा विवाद पैदा ना हो। बात क्लियर है। तो अब मुझे बताइए ये टोटल दिशाएं कितनी दिख रही हैं आपको? आठ, नौ और दस। पहले यही कहते दसों दिशाओं में चले जाओ साहब, तो पहले ऐसे कहते थे, ऊपर भी रहते थे कुछ लोग बाग और कुछ नीचे भूलोक में भी रहते थे, मतलब अंदर वाले पार्ट में। अब ऐसा मानते हैं भाई, अपन तो अपने कौन देखने थोड़ी गए थे, ने तो अपन ऊपर देखने गए। बोला ऐसा भी कहा जाता, बोला आदमी मरने के बाद वहीं जाता है, भगवान के घर में जाता है, लेकिन भगवान को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मानते पूरा है। अदृश्य शक्ति होती है जो हमें हर बार कंट्रोल कर रही होती है। ठीक है, चलना, ध्यान देना। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिशाओं को लेकर कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब मुझे बताइए कैसी आकृति दिख रही है आपको? रगोल दिख रही है ना, पक्का? अब ये गोल आकृति है, मैंने इसके लिए शब्द काम में लिया भाई, गोल आकृति है। कैसी आकृति है? गोल। अब मैंने क्या किया,
कि एक दिन मजाक मजाक में इस गोल आकृति के दो टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? दो। आधा भाग ऊपर की साइड में, आधा भाग नीचे की साइड में। जरूरी यह है कि मुझे यह पता होना चाहिए कि जब गोल आकृति के दो समान टुकड़े कर दिए जाते हैं तो गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है गोलार्ध। क्या कहलाता है सर? गोलार्ध। तो गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध। क्या कहलाता है? गोलार्ध। तो अब मुझे बताइए, अब मैं इसको किसी भी तरीके से यहां पे आपके लागू कर सकता हूं, यहां पे लागू कर सकता हूं। जैसे मैंने क्या किया कि अब ये गोलार्ध कब बनेगा? जब बीचों बीच से इसके दो टुकड़े हों। मैंने क्या किया कि पृथ्वी के सेंटर बिंदु से यहां से एक लाइन खींची और यहां पे लाके छोड़ दी, और ये बीच में लाइन जो खींची ना मैंने, यहां से इसको कट कर दिया, सर्किल को क्या कर दिया? कट कर दिया, और कट करके इधर लगा दिया दो अलग अलग। अब मुझे बताइए, ये आधा गोलार्ध और ये आधा गोलार्ध, बात क्लियर है? गोल था, आकृति के दो समान टुकड़े कर दिए, गोले का आधा भाग क्या कहलाता है? गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलार्ध। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा गोलार्ध किस नाम से जाना जाए? मुझे कुछ नहीं करना, केवल मूल दिशा को पकड़ना है और यहां देखना है। अब उत्तर के साइड में जो गोलार्ध है उसे सिंपल भाषा में क्या कहा जाएगा, और दक्षिण वाले को, बात क्लियर है क्या? अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि मैंने ये पृथ्वी के सेंटर बिंदु को आधार मानते हुए लाइन खींच दी, इस लाइन का मेरे पास कोई मान नहीं था, मैंने मान रख दिया इसका जीरो डिग्री। क्या रख दिया? जीरो डिग्री। अभी इसका नाम है जीरो डिग्री। अब मैंने क्या किया कि एक दिन मजाक में बैठे बैठे ऐसे एक लाइन खींच दी, उसका भी नाम मैंने जीरो डिग्री रख दिया। अब लोगों ने मेरे से पूछना स्टार्ट कर दिया कि कौन सा जीरो डिग्री? दो बताए थे। कौन सा जीरो डिग्री? आपने दो बताए थे। अब मुझे जवाब देना होगा कि भाई इस जीरो डिग्री को तो मैं नामकरण ये रखूं और इसका नामकरण ये रखूं। आप में से बहुत सारे लोगों के एक ऑथेंटिक नाम तो होगा ना, प्रमाणित नाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है, वो किसी ने ऐसे बताया था कि आपके घर वालों ने ऐसे ऑटोमेटिक रख लिया, पंडित जी ने देख के बताया था कि इसका नाम ये होना चाहिए, या कोई ज्ञानी व्यक्ति था जिसने देखकर बताया था कि भाई इसका नाम ये होना चाहिए, ऐसे अंदाजे से थोड़ी होता है। हाँ, हो सकता है आजकल के आधुनिक जो माता पिता हैं वो बच्चा होता नहीं उससे पहले लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं इसका नाम तो मैं रखूंगी, इसका नाम मैं रखूंगा, और फिर बाद में तीसरा ऐसा जोड़ बना के रख देते हैं जो समझ में नहीं आता क्या नाम है। आपके साथ भी ऐसा होगा, मैं बता रहा हूं ना, होगा सबके साथ होगा, ठीक है? अब कई लोगों को तो यही उम्मीद नहीं है कि शादी भी होगी कि नहीं होगी। होगी, मैं कह रहा हूं, राजस्थान में लिंग अनुपात कम है, लेकिन मैं कह रहा हूं होगी। मैं बताऊंगा वैसे करोगे तो होगी, नहीं तो हो सकता है दिक्कत आए, बिहार भी जाना पड़ सकता है, ठीक है? चलना, इधर ध्यान दो, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब मैंने क्या किया कि यहां से इस जीरो डिग्री लाइन को नाम दे दिया भूमध्य रेखा। क्यों कहा? क्योंकि ये पृथ्वी के मध्य भाग से गुजर रही है। अब पृथ्वी का एक परिभाषित शब्द क्या होता है? भू होता है। क्या होता है? भू होता है। तो मैंने इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा, बात क्लियर है? संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांट रही है विषुवत रेखा, पूरे कंप्लीट जो विश्व है इसको दो भागों में बांट रही है, क्या बिल्कुल बांट रही है, तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। ये बिल्कुल सटीक सीधी खींची गई है, इसको कहीं कोई जगह मोड़ा नहीं गया है, कहीं कोई घुमाव नहीं ले रही है, सीधा का सीधा खींच दिया, बात क्लियर है? अब मुझे बताइए, क्या ये पृथ्वी के सेंटर वाले भाग के मध्य से गुजर रही है? क्या गलत है? अंदर खोद के निकाली गई है क्या? सेंटर से खोद के निकाल, आपने जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। अब यहां पे इसका ये सेंटर वाला पॉइंट है, अंदर है, सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर से गुजर रही है, सेंटर वाले भाग के मध्य से नहीं गुजर रही है, अंदर से थोड़ी फोड़ के निकाला है। कल भाई पहले तो ऐसे छेद किया इसमें और फिर लाइन ऐसे निकाल के ले गए कि ये इक्वेटर है, ये भूमध्य रेखा है, नहीं, ये पृथ्वी के सेंटर वाले भाग से गुजरती है, उसके अंदर से नहीं गुजरती, ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट मैं आपको लिखवाऊंगा, परीक्षा में दूंगा तब, ठीक है? चलना, ये बहुत सारे बेसिक्स हैं जो आपको अभी ध्यान रखने हैं, ठीक है? चलना, अब मैंने क्या किया कि इसको नाम दे दिया भूमध्य रेखा, बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है ना? चलना, मैंने आगे क्या किया कि इसके अंदर इस प्रकार से ये सेंटर बिंदु लिया मैंने, और इस सेंटर बिंदु से ऐसे कोण काटने स्टार्ट कर दिए, ऐसे एक डिग्री का कोण काट दिया मैंने, एक डिग्री क्या काट दिया? कोण काट दिया मैंने यहां पे, ठीक है?
और एक डिग्री का कोण काट के मैंने इन कोणीय दूरियों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। कोणीय दूरियों को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और कोणीय दूरियों को आपस में जैसे ही मिलाया तो इस भूमध्य रेखा जैसी एक लाइन तैयार हो गई। एक लाइन क्या हो गई, तैयार हो गई। और मैंने यहां पे ये जो कोण मैंने यहां पे एंगल बनाया था, ये एंगल कितने डिग्री का था, एक डिग्री का। कहां से बनाया था, सेंटर बिंदु से। ये सारा का सारा काम काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, ध्यान रखना काल्पनिक है। मैंने कहा था कहीं वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। यहां पर मैंने एक डिग्री मान लिया तो इस वाली रेखा का मान कितना होगा, एक डिग्री। ऐसे ही चल के मैंने यहां पर दो डिग्री बना दिया, तीन डिग्री बना दिया, चार डिग्री बना दिया। अंत में एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे 90 डिग्री तक तो बना पाया, उसके बाद में बनना बंद हो गए क्योंकि कोण ही नहीं कट रहे, क्योंकि फिर इधर से दोनों साइड से कोण कटना बंद हो गए। कोण कटना क्या हो गए, बंद हो गए। तो मैंने कोण कितने डिग्री तक काट दिए, 90 तक। अब मुझे बताइए, मैंने उत्तर में ही काटे हैं, क्या मैं ऐसे दक्षिण में भी काट सकता हूं क्या? मेरे पास आधा गोलार्ध है अभी तो, जितना मैंने काम में ले लिया ना उतना और है, तो मैं यहां 90 डिग्री तक दक्षिण में भी काट सकता हूं क्या? काट सकता हूं क्या? मेरे को कोई मना करेगा क्या? नहीं, 90 से ऊपर नहीं काट सकता। अब मैंने इस साइड जो ये कोण काट काट के जो काल्पनिक रेखाएं खींची है ना, इनका नाम क्या है, अक्षांश है। क्या है, अक्षांश। तो क्या अब मैं अक्षांश की परिभाषा बना सकता हूं क्या? बेसिक परिभाषा जो यहां पे बनाई गई रेखाओं के आधार पर है। मैंने कहा कि पृथ्वी के केंद्र बिंदु से कोणीय दूरी पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्वी एवं पश्चिमी स्थानों को आपस में मिलाती हैं या जोड़ती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। क्या मैं जनरली ये कह सकता हूं? मेरी परिभाषा में किसी प्रकार का लोचा लग रहा है क्या? या फिर आप अपने तरफ से कोई भी एक नई परिभाषा तय कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं भी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ग्लोब के ऊपर खींची गई आडी रेखाएं भी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं भी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं। लेकिन ये सर थोड़ा सिस्टमेटिक परिभाषा बन गई हमारी, सिस्टमेटिक परिभाषा बन गई। अब मुझे बताइए, मैंने इस भूमध्य रेखा के उत्तर में भी अक्षांश खींचे हैं और दक्षिण में भी अक्षांश खींचे हैं। उत्तर वाले जो है उनको तो क्या कहूंगा, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण वाले को क्या कहूंगा, दक्षिणी अक्षांश। तो मुझे बताइए अक्षांश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। भूमध्य रेखा के उत्तर में जितने भी खींचे गए सभी को क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश, और दक्षिण वाले को क्या कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश। अब इनका मान किस में आ रहा है, डिग्रियों में आ रहा है। किस में आ रहा है, डिग्री में। जैसे एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, पांच डिग्री। डिग्री से छोटी वैल्यू होती है मिनट की। किसकी होती है, मिनट की। एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये बात पिन कर लेना दिमाग में, कई जगह काम आएगा, फिर बड़ खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि फिर जब यहां बताऊंगा आप उसको पिन नहीं करोगे, पूछोगे तो फिर उस समय आप बड़ खाओगे, ये बात कतई पसंद है नहीं है, पक्की बात है ना, लिखना नहीं है। लिख के तो ऐसे ही याद हो जाएगा, फिर क्या मतलब निकला। थोड़ा बहुत मैं ये भी तो चेक करूं ना, आपको कुछ सुना हुआ भी याद होता है क्या? ठीक है, चलना। अब एक डिग्री कीमत कितनी है, 60 मिनट है। क्या एक मिनट की कीमत मार्केट में 60 सेकंड होती है क्या? ये तो बहुत पहले से बताया आपको, बहुत पहले से बताया। तो क्या एक डिग्री एक घंटे के बराबर काम कर रहा है क्या? क्योंकि एक घंटे में भी 60 मिनट होते हैं और एक डिग्री में भी 60 मिनट होते हैं। तो एक घंटा एक डिग्री के बराबर होता है, एक घंटा एक डिग्री के बराबर होता है। ये बात माइंड में पिन कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 90 डिग्री है, इधर 90 डिग्री है। अब हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं, कैसे, सुनना। वो ये कहता है कि सर अक्षांश तो हमारी समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देशांतर का क्या लोचा है? देशांतर का लोचा ये है, सुनना ध्यान से, कि हमने यहां पे ये एक और अलग चित्र बना लिया, क्योंकि उसमें जाएंगे तो फिर हमारे दिमाग में कई कीड़े पैदा हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इस बार इस ग्लोब के इस तरीके से खड़े दो टुकड़े कर दिए ऐसे, और वही मान किसको मान लिया, 0 डिग्री को। अब मुझे बताइए इधर कौन सी दिशा है, पूर्व, और इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम। बात क्लियर है क्या? अरे ये पूर्व है और ये कौन सा है, पश्चिम है। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस गोल आकृति की मैंने दो समान टुकड़े कर दिए, तो गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, अरे गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलार्ध। कायदे से इसको क्या कहा जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और इसको क्या कहा जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। तो बताओ ये छोटी सी बात समझ में आ गई क्या? अभी इसका नामकरण संस्कार नहीं किया, इसका नाम रखना पड़ेगा, नहीं तो ये 0 डिग्री अकेला ऐसे अनाथ बच्चों की तरह घूमता रहेगा। क्योंकि जिस बच्चे के कोई नाम ही नहीं होते हैं, मान लो एक परिवार में किसी के 6 बच्चे हों, तो ऐसे नंबर से बुलाएंगे कि तीसरे नंबर का हाजिर हो, नाम बोलते ही डायरेक्ट पता चल जाता है मुझे ही बुलाया जा रहा है, मुझे ही बुलाया जा रहा है। नहीं, हंसने की बात नहीं है, सत्य बात है कि नहीं है। अब यहां पर मैंने इस 0 डिग्री का नाम रख दिया मैंने ग्रीनविच रेखा। इसलिए रखा क्योंकि जिस समय, देखो
ये बात है 1884 की। 1884 में क्या है कि ब्रिटिशों का बोलबाला था, ब्रिटिशों का क्या था, बोलबाला था, मतलब उनकी दादागिरी थी। तो उन्होंने अपने ही शहर, उनका एक शहर पड़ता था लंदन, और उसके अंदर एक आपके मेन जो सिटी हुआ करता था उसका नाम था ग्रीनविच, उससे लाइन गुजर रही थी, उसी के आधार पर इसका नाम क्या रख दिया, ग्रीनविच रेखा रख दिया। क्या रख दिया, ग्रीनविच रेखा। अब ये 0 डिग्री इसका मान है और ग्रीनविच रेखा इसका क्या है, नाम है। बात क्लियर है। इसके अर्धवृत्त पर ये जितनी भी लाइंस खींची जाएंगी ना ऊर्ध्वाधर भाग पर, ये सभी क्या कहलाएंगी, देशांतर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, देशांतर। अब मुझे बताइए क्या ये देशांतर भी दो प्रकार की है क्या, पूर्वी साइड में है और पश्चिमी साइड में है। पूर्व वाले भाग में जितना भी है सभी को क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर, और पश्चिम वाले को क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। अब बताइए देशांतर भी दो प्रकार के हो सकते हैं क्या, एक तो पूर्वी देशांतर और एक पश्चिमी देशांतर। बात क्लियर है। अक्षांश कितने प्रकार के हुए थे, दो प्रकार के, उत्तरी और दक्षिणी। अब यदि एग्जाम में कोई उल्टे सीधे ऐसे अक्षांश या देशांतर देगा तो क्या आपको कंफ्यूजन पैदा होगा क्या, नहीं ना, पक्की बात है ना। मुझे पता है कांटा 10 पे जा रहा है, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स वेल तरीके से, ठीक है, सीधे बैठो, मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना, क्योंकि अभी क्या है हमारे काफी दिनों से हम बंधन में आए ही नहीं है, तो अभी क्या है 10-5 दिन लगेंगे आपको सेट होने में इधर, ठीक है। और एक बार सेट हो गए ना फिर आपको कोई अपसेट नहीं कर सकता, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और जीवन में आज हो सकता है आप में से कोई भाई ऐसा हो जो कल नहीं आए, उसकी जगह कोई दूसरा भाई आएगा, सीधी सी बात है, हम बेरोजगार नहीं होंगे, इस बात को दिमाग से डिलीट कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना कि जीवन में जहां भी जाओगे पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। या हमारे पास ऐसी कोई बबूत है क्या, ताबीज है क्या, जैसे कि बांधने से कोई ऐसा ही बन जाता है या पटवारी बन जाता है, ऐसा ही कोई सामान होता ना तो वो नीचे दुकान लगा लेता, आपको डायरेक्ट वहां से 2000 में ताबीज ही बांध देता और बबूत देते, रगड़ देना और खा लेना, काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ जो मेहनत करेगा वो अचीव करेगा, ठीक है। इनको कल लिखेंगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बताइए आज जो हमने चीजें पढ़ी उसमें से मैं 100% पहले दिन नहीं मानूंगा, क्या 10% आपको समझ में आया क्या, वो मुझे आप हां के रूप में ना बताएं, केवल अपने आप से कह दें वो बात कि भाई मुझे जो पढ़ाया मास्टर ने क्या उसका 10% समझ में आया क्या। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूं कि आप अगर एक बार विश्वास करके मुझसे जुड़ेंगे ना तो मैं कह रहा हूं जीवन में दोबारा इस विषय को तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। बस शर्त यह रहेगी कि जैसा मैं कहता हूं वैसा वैसा आपको चलना पड़ेगा, तो कंधे से कंधा मिला के चलना ही पड़ेगा अगर मंजिल तक जाना है तो, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक चीज और विशेष ध्यान रखना, अभी जितना पढ़ाया जा रहा है ना उसको घर जाके डेली अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आप लोग क्या सोचते हैं कि यार आज तो कॉपी मैंने 1-1.5-2 पेज लिखवाए होंगे, आप क्या सोचते हैं 2 ही तो पेज हैं, आ तो खाना खा के सोते हैं, क्योंकि भी रूम नया नया लिया ही तो सेट होगा। फिर रूम पे रहने वालों की एक समस्या और है, उनके क्या है कई बार रोटियां ज्यादा बन जाती हैं तो वो बेचारा खा के ही सोता है, क्या करे, मजबूरी है, सुबह शाम तक तो खराब हो जाएगी वो, तो पूरी लपेट के सोता है वो, ठीक है। इसलिए थोड़े दिन अपने आप को उन सभी चीजों से हटा दो जहां से आपका समय खराब हो रहा है। अगर जीवन में कुछ त्यागोगे तभी कुछ मिलेगा। महात्मा बुद्ध को कोई नहीं जानता, अगर उसने उस समय अपने घर का त्याग नहीं किया होता तो, आज महात्मा बुद्ध से भी तगड़े तगड़े ज्ञानी है लेकिन उन्होंने घर नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका नाम सीमित रह गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने गृह त्याग किया होगा लेकिन महात्मा बुद्ध जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। आपको मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, आज एक शेर होता है उसकी स्पीड एवरेज पड़ी जाती है 58 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक हिरण होता है उसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ता है। सृष्टि का नियम है, हिरण मारा जाता है, शेर को शिकार मिलता है। शेर को ऐसा कुछ सीक्रेट पता है जो उसकी 60 की स्पीड में भी 90 वाले को हराने की क्षमता रखता है। मेरा कहने का मतलब है कई बच्चे ऐसे हैं जो 10 घंटे पढ़ के फेल हो जाते हैं, 5 वाले सिलेक्शन ले जाते हैं। उन 5 वालों के क्या सीक्रेट है अब मुझे नहीं पता, आप ढूंढेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर में कौन सा सीक्रेट सपोर्ट करेगा। आज यहां पर आप आए हैं, मैं आपसे मिला हूं, ये कोई एक आकस्मिक घटना नहीं है, ये गॉड का मास्टर प्लान है। कुछ अच्छा करने के लिए हमने और आपने यहां पर इस 2 घंटे का सेशन को ज्वाइन किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग छोड़ देंगे तो मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, नहीं। यहां पर मुझे देखो जितना मैं अनुभव रखता हूं उसके आधार पर,
आज मैं राजस्थान के लगभग सभी शिक्षण संस्थानों अपनी सेवाएं दे चुका हूं और मेरा तो हमेशा से ये रहता है कि मैं किसी भी संस्थान में जाता हूं तो वहां 2 दिन 4 दिन इससे ज्यादा मेरे पास समय नहीं होता है। आपके लिए भी 2 से 3 दिन का समय रखा जाएगा, रिजर्व रखा जाएगा, उसमें हमारी डेली जो कार्यशालाएं होती हैं वो अब आप कहो कि रेगुलर 7 दिन पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि अदर सब्जेक्टिव आपकी क्लासें जरूरी हैं। दूसरा क्या है कि 1 घंटे की क्लास सफिशियंट नहीं रहेगी, इसलिए सफिशियंट नहीं रहेगी क्योंकि 1 घंटे में तो आपको बताया कि क्लास का सेशन शुरू ही होता है, फिर उसमें जो मेन जो चीजें हैं समझने की वो पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटे में अपन को टारगेट करके पूरा का पूरा कंप्लीट कवर कर सके। ठीक है, कल मानचित्र लेके आने हैं भारत के, इस बात को चाहे हाथ पे लिख लो चाहे माथे पे लिख लो, मैं आज गारंटी से कह रहा हूं आप इस बात को कल देख लेना। इनमें से 50% भूल जाएंगे, 25% क्या करेंगे यार लेके चल के क्लास में दिलवा देंगे गुरुजी किसी से मेरे को तो, या पड़ोसी को शर्मिंदा करके मांग ही लूंगा, मेरे पास नहीं रहेंगे उसको पूरा पैकेट दिखेगा तो मैं बार बार देखता रहूंगा, वो शर्मिंदा होके दे ही देगा मेरे को एक मानचित्र तो ऐसा नहीं है, मांगने से किसी का काम नहीं चलेगा। कल इस चीज को पिन करके ले जाना कि मानचित्र लेके आना है। हर एक चीज को जहां भी समझ में नहीं आता, मेरे विषय में नहीं, आप खुद डिसाइड करेंगे कि यहां टीचर कितनी मेहनत करेगा, टीचर के हाथ में नहीं है मेहनत करना, स्टूडेंट के हाथ में होता है टीचर से मेहनत करवाना, क्योंकि मुझे इतना पता है कि हम जब अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ेंगे टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर देगा, कर रहा है वो तो ठीक है लेकिन वो और एक्स्ट्रा करेगा क्योंकि उसको पता है कि सामने वाला मेरे पे थोड़ा भारी है। और आप ऐसे न्यूट्रल होके बैठे रहते हो ना, टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा रहा है तो भी ठीक है, चल जाता है, ये हर शिक्षक हर कोचिंग की स्थिति ऐसी ही होती है, ध्यान रखना मेहनत करवाना आपके हाथ में है। आज एक चीज और सीक्रेट बता रहा हूं, ठीक है 5 मिनट का समय लूंगा, कोई दुखी तो नहीं हो रहा है ना, सुनना, मंडे से या 1 तारीख से आप एक काम करेंगे, एक ऐसा रजिस्टर अलग से डालेंगे जिसके अंदर मुझे बताइए कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, कोई भी एक, यार ये समस्या तगड़ी है तुम्हारी, खड़े नहीं होते, मैं क्या गोली निकाल रहा हूं क्या, मुझे ही खड़ना करना पड़ेगा ना, बंधु आप ही खड़े हो जाओ, मुझे सबसे समझदार आप ही लगे, बाकी भी तो ठीक है ना, सबसे ज्यादा ठीक है ना, मुझे बताइए आप किसकी तैयारी करें अभी, पीएसआई की। पीएसआई में टोटल आपको लगता है कितने सब्जेक्ट होंगे, टोटल जीके जीएस हिंदी वगैरह सबको लगा के 10 पार्ट हो जाएंगे, बड़ी मुश्किल कितने पार्ट, 10 पार्ट, सुनना देखो सीक्रेट बता रहा हूं सिलेक्शन का, 10 पार्ट हो गए, कुछ भी नहीं करना आपको, रोजाना मुझसे 1 घंटे बात करनी है, फोन पे बात नहीं करनी है, आप जहां याद करोगे मैं हाजिर हूं, अंतर्यामी भी नहीं हूं लेकिन जहां याद करोगे वहां हाजिर हूं, 1 घंटा मुझे चाहिए, वो 1 घंटा इसलिए चाहिए क्योंकि आप 1 घंटे में कम से कम 5 से 6 लाख अभ्यर्थियों से आगे निकल जाएंगे, 5 से 6 लाख तो बहुत होते हैं, आंकड़ा इससे भी ऊपर जाएगा, जितने भी हैं उनमें सब में टॉप में आप रहेंगे। एक सीक्रेट बता रहा हूं, कोचिंग तो चल ही रही है, 1 घंटा मुझसे बात करनी है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बंधु आप बैठ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब मुझे बताइए एक एक पार्ट को यदि मैं देता हूं तो कितने मिनट आते हैं, 6 मिनट, कितने मिनट आते हैं, 6 मिनट, 6 मिनट में आप कुछ भी मत करो, एक सब्जेक्ट में कितने मिनट आ रहे हैं, 6 मिनट। आप एक काम करो, सबसे पहले घर जाते ही आपने जैसे बायोलॉजी वाला पार्ट निकाला, बायोलॉजी को कुछ भी मत करो, एक A4 साइज पेपर को पढ़ने में आपको कितना समय लगता है, ज्यादा ले गए सर यार, कॉपी का बहुत बता रहा हूं किताब का नहीं, 2 मिनट 3 मिनट ले लोगे, 3 मिनट आप उसको रीडिंग कीजिए और 2 मिनट के लिए उसमें से केवल 5 अलग अलग फैक्ट, 1 लाइनर फैक्ट लगा के इस कॉपी में लिख दीजिएगा, कितने फैक्ट, 5 मिनट, सॉरी 5 फैक्ट है, 5 मिनट, 1 मिनट आप आराम करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपने अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर ली, 1 मिनट आराम करो आराम से, या 1 मिनट आप वो ले सकते हैं बायोलॉजी से उधर आप फिजिक्स में जा रहे हैं उसका 1 मिनट तो लगेगा, इतनी दूर आप जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट दूसरे 1 मिनट तो चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए ना, चाहिए। अब 5 मिनट आप उस फिजिक्स को भी वैसा ही प्रोसेस में लाइए, 5 शब्द यहां लिख दीजिएगा छोटे छोटे जो आपको लगते हैं कि 5 लाइनर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपने लिख दिए, ठीक है। कितने सब्जेक्टों के आपने लिखे सर, 10 सब्जेक्टों में 5-5 लिखे, 10 का गुणा 5 कितने होते हैं, 50। आप महीने में ये काम 30 दिन तो करें ही करेंगे, 30 दिन करेंगे तो 50 का गुणा 30 कितने हो गए, 1500।
कितने हो गए 1500, एक महीने के हैं ये। कोई भी आदमी अगर तैयारी के लिए आता है तो सफिशियंट उसको एग्जाम होने तक 6 माह का समय मिल जाता है। अब ये अलग बात है कि उसने भर्ती आने के एग्जाम डेट आने के बाद पढ़ना स्टार्ट किया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 6 महीने पहले ये आहट हो जाती है कि कुछ आने वाला है, मतलब भर्ती आने वाली है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 15 का गुणा 6 कितना होता है? 9000, या ज्यादा होता है? 9000 होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्लास में इतना भी व्यवहार आपका खराब नहीं है कि आपके 5 लोग तो बिल्कुल घनिष्ठ हो, 5 से ज्यादा किसी से घनिष्ठता रखना भी मत। 5 लोग तो ऐसे होंगे जो घनिष्ठता रखते हैं, इसको 5 से गुणा कर दो, कितने हो जाते हैं? 45,000 हो जाते हैं। मान लीजिए 5ों ने मिलकर 15,000 सिमिलर बना दिए, 15,000 क्या बना दिए? सिमिलर बना दिए, एक जैसे बना दिए, कितने हो गए? 30,000। हृदय पर हाथ रख के मुझे बता दीजिए, जो एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा है क्या उसके पास 30,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक है क्या? हृदय पर हाथ रख के बता दीजिए इस बात के लिए, आपके किसी भी एग्जामिनर के पास, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी का हो, या किसी भी पीसीएस का हो, अगर उसके प्रश्न बैंक में 30,000 प्रश्न हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या आप 30,000 प्रश्नों को पढ़ के जा रहे हैं, क्या इसमें से 30 प्रश्न भी नहीं आएंगे क्या? मुझे बता दो, आपने खुद ने लिखे हैं, क्या 30,000 में से 30 प्रश्न आने की क्षमता नहीं है क्या? आ सकते हैं। अब हमने क्या किया कि इसको कुछ भी नहीं करना, हमारी इस कॉपी को केवल और केवल एग्जाम से 5 या 10 दिन पहले एक बार देख लिया। अब ये हमारे पास टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं, सारे टॉपिक्स हमारे एक तरीके से क्या हो गए? रिवाइज हो गए। परीक्षा में जा रहे हैं तो ये मान के जा रहे हैं 30 प्रश्न तो अपनी जेब में है, बगलाड़ी में, जब भी पूछेगा फेंक के मार देंगे। और जो आपके दूसरा विद्यार्थी गया है उसके पास 30 प्रश्नों का सामान कम है। अब बताओ विजय प्राप्त कौन करके आएगा? अभी भी किसको लग रहा है क्या कि मैं 30,000 का बैंक लेके भी 30 प्रश्न लूट के नहीं लाऊंगा? कितने घंटे की प्रोसेस थी? 1 घंटे की। शायद 1 घंटा तो आप ऐसे भी जाया कर देते होंगे घर पे बैठ के, किसी से गप लगाने में, या फोन पे बात करने में, या रील देखने में, या टेलीग्राम व्हाट्सएप चैटिंग फैटिंग जो भी है उनमें भी कर देते होंगे। तो अगर किसी को लगता है ना तो भाई इस पे भी आप काम कर सकते हैं। अब इसमें भी रिजल्ट सुनना, इसमें से इस पूरी क्लास में से 2 या 5 लोग ऐसे होंगे जो ये काम करेंगे, क्योंकि कईयों के पास तो टाइम ही नहीं बेचारों के पास। यहाँ आ रहा है बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? यहाँ आ रहा है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टाइम कहाँ है उसके पास, पक्की बात है ना? तो सर इन पे भी काम करना है। बाकी मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, विथ इन 10 डेज हर एक व्यक्ति को लगने लगेगा कि हाँ, ये ऐसे भ्रम नहीं है कि ऐसे केवल भावनाओं बह के ऐसे लगेगा कि मैं तो बन गया थानेदार, मैं तो बन गया कलेक्टर। वास्तविकता से एक बार अंदर आत्मा से आवाज आ जाएगी कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो बिल्कुल सही है, वो रास्ता बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, गॉड का पहला मास्टर प्लान तो ये सही था कि आपने इस संस्थान का चयन किया, ये बहुत अच्छा डिसीजन था आपका। अभी आपको इसलिए लगेगा क्योंकि मैं इसको गलत डिसीजन बता ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है और आपको पता है, अरे यार इनका आदमी है तो ये तो इनकी बोलेगा ना। सर आपको खुद को लगेगा 5 या 10 दिन के अंदर कि वास्तव मैंने जिस संस्थान का चयन किया था वो मेरे लिए सही था। बात क्लियर है? अब इनमें से क्या करना है कि जितनी पढ़ाई हुई चीजें हैं इनको सबको पढ़ के जाना है, घर पे पढ़ना है। और जिनको लगता है कि हाँ मैं यहां से कुछ अच्छा कर सकता हूं, वो अपनी सीट सुनिश्चित कर सकता है, सीट सुनिश्चित कर सकता है। फैकल्टीज सारी की सारी, जो अभी कुछ सब्जेक्ट आपके लग गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट अभी लगना बाकी है, फैकल्टीज मैं कह रहा हूं सारे के सारे A to Z इन्होंने बेस्ट चुने हैं। और जिस दिन भी आपको लगता है ना कि इस फैकल्टी से मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता सकते हैं, वो फैकल्टी दोबारा आपको दिखेगी ही नहीं। आप यहां फीस दे रहे हैं, फैकल्टी का चयन आप करेंगे, उस बात पे निर्भर नहीं करता कि मेरे और इनके कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनकी वजह से मैं ही पढ़ाऊंगा, नहीं, कोई मेरा भाई दूसरा आपको पढ़ाएगा, सीधी सी बात तो ये है। तो किसी भी प्रकार से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और मेहनत आपको लगातार करनी पड़ेगी। अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करके यहां तक आ गए हैं तो अब थोड़ा सा काम ये कर दीजिएगा कि 6 महीने का हमारा जो बॉन्ड है उस बॉन्ड उस एग्रीमेंट के अनुसार अपने आप को चलाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अच्छा अगर आपको स्टेटस जीवन में लेना है तो वहां तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलूंगा कल, ठीक है? स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।